गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी सुप्रभात। गुड मॉर्निंग, आवाज प्रॉपर है क्या? आवाज प्रॉपर आ रही क्या मेरी? थैंक यू। माइक से नहीं रखा यार, आवाज तो आ रही थी लेकिन आवाज तो आ रही ना। हाँ बस ठीक, ऑल ओके। हाँ स्टार्ट करते हैं बस। ठीक है, देखिए अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अगर मैं इस इतना लाउडली बोलूं जो भी बोल रहा हूं तो आवाज प्रॉपर है ना? ओके ठीक है, क्योंकि आज थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है इस वजह से। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है, इसके अंदर अपन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हल्का सा, थोड़ा सा रिपीट करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से, है ना? तो मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। तो देखो, समझने के लिए अपन ने ये एग्जांपल लिया था। यहाँ से क्या है, हिंज है, और ये क्या है, फ्री हैंड है। ओ पे अपन ने मोमेंट अप्लाई करा है कितना, एम नोट, ठीक है। इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था आपको समझाने के लिए। तो देखिए, जो फ्री बॉडी डायग्राम था ना, इसको मैंने नाम दिया ए, इसको मैंने नाम दिया था बी, इसको मैंने नाम दिया था सी, और इसको नाम दिया था डी। अब ये जो एम नोट है, इन मेंबर्स के अंदर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये अपन पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो ये एम नोट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये मैंने बताया था कि जो भी स्टिफनेस है ना, इन मेंबर्स की जो स्टिफनेस है, उन स्टिफनेस के अकॉर्डिंग ये ट्रांसफर होगा। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, अगर फार एंड पिक्स होता तो कितनी रहती है, 4 या ये पोन में एल स्टिफनेस रहती है। कैसे मैं डिनोट करता हूं, अगर फार एंड अगर ही फिक्स रहता है तो 4 या अपोन में एल इक्वल टू के रहती है। अगर फार एंड आपका हिंज रहता है तो कितनी रहती है स्टिफनेस, 3 या अपोन में एल इक्वल टू के। अगर फार एंड फ्री रहता है तो कितनी रहती है, 0। ये अपन पढ़ चुके थे। अब जो मोमेंट है ना, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखो, टोटल स्टिफनेस देख लेते हैं इन सारे मेंबर्स की, है ना। टोटल स्टिफनेस की अगर मैं बात करूं, टी एस इक्वल टू, तो टोटल स्टिफनेस जो है, टोटल स्टिफनेस क्या हो जाएगी, मैं सबको ऐड कर दूं, 4 EI upon में एल प्लस 4 EI upon में एल प्लस 3 EI upon में एल, तो ये आ गई 11 EI upon में एल, ये टोटल स्टिफनेस आ गई। अब मैं अगर मेंबर इसकी बात करूं कि इसके अंदर मोमेंट कितना आएगा, अगर मैं इसके अंदर मोमेंट M1 की बात कर रहा हूँ, तो M1 कितना आएगा, इसकी खुद की स्टिफनेस कितनी है, अपॉन में टोटल समीशन,
के पोन में टोटल सर्विस, कल मैंने यही करा था, है ना, कल मैं यही कर रहा था, इनटू कितना आपने लगाया है, बस ये M1, अगर ये ए मेंबर है तो मैं इसको के ए लिख देता हूँ, या फिर रुको K1 से नाम दे देते हैं ना इसको अपन, K1 अपॉन में समीशन ऑफ के इनटू में M0 हो जाएगा, खुद की स्टीमनेस अपॉन में टोटल स्टीमनेस मल्टीप्लाई बाई M0 जो आप अप्लाई कर रहे हो। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, इसको मैं M2 नाम दे देता हूँ, इसकी खुद की स्टीमनेस कितनी है K2, टोटल स्टीमनेस कितनी है समीशन के इनटू में M0 अपन अप्लाई कर रहे थे। M3 इक्वल टू इसकी खुद की स्टीमनेस कितनी है K3 अपॉन में टोटल स्टीमनेस के इनटू में M0। अगर मैं इसके ऊपर मोमेंट कैसे आएगा, M4 इक्वल टू खुद की स्टीमनेस कितनी है K4, टोटल स्टीमनेस के इनटू में कितना मोमेंट अप्लाई करा था अपन ने, M0 अप्लाई करा था, बस यही अपन लास्ट क्लास में देख रहे थे। अब देखिए आप यहाँ पे M3 की बात कर लेता हूँ, तो M3 की खुद की कोई स्टीमनेस है नहीं क्योंकि फ्री एंड है, ये रोटेशन को रोकेगा ही नहीं, रोटेट कर जाएगा, तो 0 अपॉन में समीशन ऑफ K की वैल्यू क्या है, 11EI अपॉन में L इंटू में M0 इक्वल टू 0 हो गई। इसमें मोमेंट कोई आएगा ही नहीं, कोई ये रजिस्ट ही नहीं कर पाएगा मोमेंट को। अब अपन बात करता हूँ मैं M4 की बात करता हूँ मैं, तो M4 खुद की स्टीमनेस कितनी है 4EI अपॉन में L, टोटल स्टीमनेस कितनी है 11EI अपॉन में L इंटू में M0, तो ये कितना हो गया 4/11 M0। अगर मैं बात करता हूँ M1 की, तो M1 की सेम ही हो जाएगी जैसे इसकी M4 की थी, खुद की स्टीमनेस 4EI अपॉन में L, टोटल 11EI, तो ये भी कितना हो जाएगा 4/11 इंटू में M0 हो जाएगा। अगर मैं B की बात करता हूँ, इस पे कितना आएगा, इस वाली OB मेंबर में खुद की स्टीमनेस कितनी है 3EI अपॉन में L, टोटल स्टीमनेस की बात करता हूँ तो कितनी है 11EI अपॉन में L इंटू में M0, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/11 इंटू में M0। ये ऐसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यही अपन लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे। मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, जरूरत है क्या फिर से फ्री बॉडी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, जरूरत है क्या फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की, बताओ, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होगी, ठीक है। हाँ तो वो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने समझाने के लिए बनाया था कि आप अच्छे से समझ जाओ, है ना, ये मोमेंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके अंदर। अब उसके बाद में अपन देख रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, किसी भी जॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमेशा 1 होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। क्यों 1 होता है, मतलब जैसे मान लो ये भी तो क्लियर था नहीं, कईयों को डाउट था इसलिए लिया मैंने, है ना, कईयों को डाउट था। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 क्यों होता है, जैसे मान लो 1 बोल लो या पर 100% बोल दो, मतलब कोई भी चीज़ को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, है ना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 100% कोई चीज़ लगाई या 100% मोमेंट लगाया, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, मान लो 40 इसमें चला गया, 40 इसमें चला गया, 20 इसमें चला गया, तो टोटल का समीशन तो 100% ही रहेगा, या फिर अगर आप 1 लगाया आपने तो इधर 0.4 चला गया, इधर 0.4 चला गया, इसमें 0.2 चला गया, इस मेंबर के अंदर, अपन ये मेंबर की बात कर रहे हैं मोमेंट, ठीक है ना। तो मतलब टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। 1 का मतलब ये है कि आप जितना अप्लाई कर रहे हो ना, वो है वैल्यू 1, अब जितना आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। इसके बाद में अपना क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यहाँ तक पढ़ लिया था, अब था अपना लास्ट क्लास में था डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर DF, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, के अपॉन में समीशन ऑफ के, मतलब अगर आप के अपॉन में समीशन ऑफ के करोगे किसी भी मेंबर का, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगी, जैसे के, अब इसी की लास्ट वाले एग्जांपल की बात कर लेता हूँ मैं, 4EI अपॉन में L अपॉन में 11EI अपॉन में L प्लस 3EI अपॉन में L इंटू में 11EI अपॉन में L प्लस 4EI अपॉन में L अपॉन में 11EI अपॉन में L प्लस के 0, तो देखो ये टोटल कितना हो गया, ऊपर भी 11EI अपॉन में L हो गया टोटल, 11EI अपॉन में L, और नीचे भी 11EI अपॉन में L हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी जॉइंट के ऊपर अगर आप बात करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, 1 ही रहती है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, इसको अपन मेंबर की स्टिफनेस के अकॉर्डिंग अपन ड्रॉ करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आज का अपन आगे पढ़ते हैं, बस हल्का सा ये रिवाइज करना था जो कर लिया अपन ने, आगे चलते हैं।
आगे अपनी हेडिंग है इसी के अंदर, प्रोसीजर, प्रोसीजर टू ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर अपन देखना चाह रहे हैं। क्या प्रोसीजर? इसका कोई डेफिनेशन नहीं है क्या? किसका डेफिनेशन? डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का। वो लिख लिए थे ना अपन डेफिनेशन सचिन, लास्ट में लिखा था अपन ने डेफिनेशन, देखो आप पेज पलट के लिखा था अपन ने। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वाला लिख लो, ठीक है लिख लेते हैं, नोट डाल के लिख लो इसको फिर। ये लो नोट, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर एनी जॉइंट विल रिमेन्स ऑलवेज वन और 100%। एक ही बात है ना, वन बोल दो या 100% बोल दो, किसी भी जॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो हमेशा कितना रहेगा? वो वन ही रहेगा। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। नोट कर लिया होगा, इसका भी अपन एग्जाम्पल करेंगे वहां से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है ना? हाँ लिख लीजिए सुदीप, लिख लीजिए फिर आगे चलेंगे। आज लाइव कम है यार, क्या रीजन है आज? आज आप लोग कम जुड़े हुए, 18 ही लोग हैं और दिन 25-26 लोग होते हैं। आज आप आए हो मनमोहन इस वजह से, बीच बीच में आएंगे फिर वही है ना, फिर यार डाउट रह जाएंगे, है ना? बीच बीच में आएंगे तो फिर डाउट रह जाएंगे, चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी ढंग से। चलो कोई नहीं, अपन तो स्टार्ट करते हैं, अपना क्यों टाइम वेस्ट करें। देखो प्रोसीजर, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रोसीजर टू ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने का जो प्रोसीजर है वो डाल दीजिए, क्या प्रोसीजर है, ठीक है? प्रोसीजर डाल दीजिए, देखो प्रोसीजर में मैं लिख देता हूँ क्या प्रोसीजर है इसका, फिर अपन समझेंगे क्या प्रोसीजर है, फिर इसको समझेंगे अपन। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स ड्यू टू फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, या फिर इसको एंड मोमेंट्स ही लिखिए आप, ज़्यादा सही रहेगा ना, कन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि फिक्स्ड एंड मोमेंट्स अभी एक और टर्म आएगी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू एंड मोमेंट्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू एंड मोमेंट्स, एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, जो भी आपकी लोड लगा हुआ है, एक्सटर्नल लोडिंग ड्रॉ सेपरेटली, एक्सटर्नल लोडिंग ड्रॉ सेपरेटली। नहीं वही मेथड है, उसी के अंदर है प्रोसीजर टू ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने की क्या जो प्रोसीजर है ना वो है उसी के अंदर, अभी वही चल रहा है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, अभी वही चल रहा है, ठीक है? तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू एंड मोमेंट, जो एंड मोमेंट आए ना, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, इनको अपन सेपरेटली ड्रॉ करते हैं, सेपरेटली ड्रॉ करते हैं, ठीक है? अब लिखिए ड्यू टू
ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग वी एज्यूम, ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग वी एज्यूम सपोर्ट इज देयर, सपोर्ट इज देयर सिंपली सपोर्टेड। जब आप एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हो तो उसको सपोर्ट को क्या मानते हैं? सिंपली सपोर्टेड, ठीक है ना। अब देखो साइन कन्वेंशन देखते हैं अपन, इसी में इसी के अंदर है। साइन कन्वेंशन देखते हैं। फॉर एंड मोमेंट डायग्राम, फॉर एंड मोमेंट डायग्राम होगिंग बेंडिंग मोमेंट, होगिंग बेंडिंग मोमेंट विल शो अबव द बेस लाइन, अबव द फॉर एंड मोमेंट डायग्राम होगिंग बेंडिंग मोमेंट विल शो अबव द बेस लाइन, है ना। एंड सेगिंग मोमेंट विल शो बिलो द बेस लाइन। ये अभी लिखा ना, ये समझ में आएगी भी आपके, है ना। जब अपन इसका एग्जाम्पल लेंगे तब ये चीजें लिखा है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। फॉर एंड मोमेंट डायग्राम होगिंग बेंडिंग मोमेंट विल शो अबोव द बेस लाइन। जबकि अपन ने सोम में क्या पढ़ा था आपने, कि जो होगिंग होता है उसको आप जो होगिंग होता है उसको आप क्या लेते हो, बिलो द बेस लाइन लेते हो ना आप, और सेगिंग को अबोव द लेते हैं। लेकिन यहां पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन ताकि वो मतलब माइनस हो जाए, पता लग जाए अपने, क्योंकि नेट बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है। अब जो सिंपली सपोर्टेड का करेंगे ना अपने एक्स्टर्नल लोडिंग की वजह से, हाँ ऊपर प्लस और नीचे माइनस करते थे अपन उसके अंदर, है ना। लेकिन यहाँ पे एंड मोमेंट डायग्राम के लिए अपन अलग कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं उसका। उसका रीजन क्या है, उसका हाँ सही, उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर जो एंड मोमेंट डायग्राम और सिंपली सपोर्टेड डायग्राम अपन अलग अलग बना रहे हैं, अलग अलग बना रहे हैं, तो मान लो इसकी वजह से होगिंग आ रहा है कोई, और जो एक्सटर्नल लोडिंग है उसकी वजह से सेगिंग आ रहा है, तो दोनों माइनस हो जाए, नेट मोमेंट पता लग जाए अपने को कि स्ट्रक्चर में नेट मोमेंट कितना आ रहा है। अब उस स्ट्रक्चर को अपन उसी मोमेंट के लिए डिजाइन कर ले, है ना। तो इस वजह से ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए और पता लग जाए कि नेट कितना आ रहा है, इस वजह से इसको उल्टा ले रहे हैं उसके साथ में। नोट कर लो, उसके बाद में फिर साइन कन्वेंशन उसके लिए लिखते हैं एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से। हाँ ये बेस लाइन डायग्राम से ही समझाएंगे मनमोहन सिंह जी, बेस लाइन डायग्राम से ही समझाएंगे। ठीक है, डन हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसी में लिख देता हूँ आगे, देखो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग साइन कन्वेंशन विल रिमेन सेम, साइन कन्वेंशन विल रिमेन सेम, ब्रैकेट में लिख देता हूं
सेगिंग सेगिंग अबोदी बेस लाइन, सेगिंग अबोदी बेस लाइन एंड होगिंग बिलो द बेस लाइन। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कंप्लीट। नोट कर लिया होगा आपने। हाँ, ये साइन कन्वेंशन में अगला है, है ना? साइन कन्वेंशन यहां तक हो गया था, उसके बाद में फिर ये यहां से। अब इसका जो ये लिखा है ना, इसका एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, इसका एग्जांपल ले लेते हैं जो अपन ने लिखा है। लिख लिया होगा आपने, ये यहां तक खत्म हो गया था बेस लाइन, ये तो था एंड मोमेंट्स के लिए। उसी के बाद में ये कोमा लगा दिया अपन ने फुल, उसके बाद में फिर ये आगे स्टार्ट हो रखा है ना, इसी के अंदर है, साइन कन्वेंशन के अंदर ही अगला। ठीक है ना, आगे चलो मैं, अगर आपने नोट कर लिया हो तो। डन, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी का अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपकी क्लियर हो जाएगी चीजें। देखो, इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे मान लो ये आपका फिक्स सपोर्ट है और ये भी फिक्स सपोर्ट है, ये लोड लगा हुआ है पी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। हाँ, ये इसका एग्जाम्पल है जो मैंने लिखवाया है, अभी जो लिखवाया है ना मैंने, उसके लिए अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो भी लिखवाया है उसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है विप्लव, देखिए ये स्ट्रक्चर आपको पता है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से तो अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे ही नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए अपने को एक्स्ट्रा मेथड की जरूरत पड़ेगी, जैसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है। अब अपन बात करते हैं इसकी, तो इस लोड की वजह से अलग अलग मैं बढ़ा देता हूं। इसकी वजह से, इस लोड की वजह से मैं मोमेंट अलग ही बढ़ा देता हूं ना, तो ये आपकी क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज हो गए। इस लोड की वजह से जो मोमेंट डेवलप हो रहा ना यहाँ पे, वो कितना हो रहा है? एम वन डेवलप हो रहा है, और यहाँ पे जो मोमेंट डेवलप हो रहा है कितना हो रहा है? एम टू डेवलप हो रहा है। और ये लोड तो ये अलग से नहीं लगा हुआ, मेन एग्जाम्पल ये है। मेन एग्जाम्पल कौन सा है? ये वाला एग्जाम्पल है। अब मैं इस लोड की वजह से मान रहा हूँ कि ये मोमेंट एम वन यहाँ डेवलप हो रहा है और ये एम टू मोमेंट यहाँ आ रहा है। हाँ, वन बी मेथड पॉइंट लोड और सेकेंड बेंडिंग मोमेंट वाला की वजह से। हाँ, ठीक है, जो पहला है वो तो मेन डायग्राम है। अब ये जो मैंने माना कि जो मोमेंट डेवलप हो रहा है ना यहाँ पे सपोर्ट्स पे, वो कितना हो रहा है? एम वन और एम टू डेवलप हो रहा है इस पी लोड की वजह से। तो मैंने क्या लिखवा है कि अपन सेपरेट मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कैसा मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं? सेपरेट लिखा हुआ अपने प्रोसीजर में, तो देखो सेपरेट ड्रॉ करेंगे। तो पहले तो अपन मैं क्या कर लेता हूँ, पहले मैं ये जो एंड मोमेंट डेवलप हुआ ना इसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, जो एम वन डेवलप हो रहा है, समझ में आ रहा ना, जो एम वन डेवलप हो रहा है उसकी वजह से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। तो अब देखो प्रोसीजर में अपन ने क्या लिखा था कि अपन क्या मानते हैं इनको, मोमेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ना, तो अपन सिंपली सपोर्टेड मान के करते हैं, है ना। तो ये पिक सपोर्ट है, ठीक है, तो मैं इसको क्या मानूंगा, सिंपली सपोर्टेड। ये मोमेंट लगा हुआ है, ठीक है, यहां भी क्या है, ये सिंपली सपोर्टेड है, ये मोमेंट लगा हुआ है। तो मैंने ये एम वन और
ये मोमेंट डेवलप हो गया, ये M1 मोमेंट, ठीक है, प्लस ये तो मैंने मान लिया एंड मोमेंट। अब जो एक्सटर्नल लोडिंग है उसकी वजह से भी तो बेंडिंग मोमेंट आएगा, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपन ड्रॉ करेंगे उसको भी सेपरेट ड्रॉ करेंगे, फिर इन दोनों को अपन जोड़ देंगे। थ्री डायग्राम बनाया गया, कौन सा किस लिए है बताओ। तीसरा डायग्राम देखो, मेन डायग्राम अपना मेन एग्जांपल, हाँ सपोर्ट मत करो चेंज, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सपोर्ट की जगह मैंने मोमेंट ले लिया M1 और M2, जो फिक्स सपोर्ट था ना, सपोर्ट इसलिए चेंज करा है, जो फिक्स सपोर्ट था वो क्या देता था, मोमेंट देता है। जब आपने मोमेंट पहले से मान लिया कि M1 और ये आ रहा है M1 मिड पे लगा हुआ है, तो आप इसको सिंपली सपोर्ट में कन्वर्ट कर दो, इसलिए वो चेंज कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको रिपीट करता हूँ पूरा एग्जाम्पल लिया अपन ने, ये फिक्स सपोर्ट है और लोडिंग लगी हुई है P मिड के ऊपर, तो इसका अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो मैंने प्रोसीजर में लिखवाई कि अपन सेपरेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मोमेंट की वजह से जो एंड पे डेवलप हो रहा है इस पी लोड की वजह से, प्लस इस एक्सटर्नल लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हो रहा है, इनको अपन अलग अलग ड्रॉ करते हैं और फिर दोनों को अपन जोड़ देते हैं, उन डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करते हैं अपन, और सिंपली सपोर्टेड मान के चलते हैं अपन, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तब। अब देखो ये M1 और M1 है, ये लगा हुआ है ऐसे आ गया, ये तो इसकी वजह से क्या आएगा, ये होगिंग, तो होगिंग को मैं क्या लेता हूँ, बेस लाइन से ऊपर लेता हूँ ना, बेस लाइन से होगिंग को क्या ले रहा हूँ मैं, बेस लाइन से ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा, सपोर्ट चेंज करने का रीजन, सपोर्ट चेंज करने का रीजन यही है कि अगर आपने M1 और M1 लिख लिया ना मोमेंट, ठीक है मत करो चेंज, ये लो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, मैंने इसलिए चेंज करा है क्योंकि देखो सपोर्ट है, सपोर्ट का मोमेंट आप ऑलरेडी लिख चुके हो कि उस पिक सपोर्ट में, पिक सपोर्ट और हिंज सपोर्ट में क्या डिफरेंस रहता है, पिक सपोर्ट और हिंज सपोर्ट में क्या डिफरेंस रहता है, यही तो डिफरेंस रहता है मोमेंट का ही, तो हिंज सपोर्ट मोमेंट नहीं ले पाता है, फिक्स सपोर्ट मोमेंट ले लेता है, तो मैंने ऑलरेडी ये फिक्स सपोर्ट ही समझो इसको मोमेंट मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये फिक्स सपोर्ट का मोमेंट ही है, हिंज थोड़ी मोमेंट लेगा, हिंज तो कैपेसिटी नहीं है मोमेंट लेने की, है ना, हाँ इसलिए लिखा है। तो अब देखो इसकी वजह से इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ना वो कैसा आएगा, होगिंग आएगा, और है ना होगिंग, तो होगिंग को मैंने क्या लिखवाया है प्रोसीजर में, देखो होगिंग को क्या लिखा है अपन ने, होगिंग को लिखा है कि बेस लाइन से ऊपर लेंगे, और सेगिंग को क्या लिखा है अपन ने, सेगिंग को बेस लाइन से ऊपर लेंगे अपन, तो सेम चीज है यहाँ पे, सेम चीज अपन करेंगे, सेम चीज अपन कर देंगे यहाँ पे, वही चीज सेम है ना। तो इसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आता है वो कैसा आएगा, रिएक्टेंगल आएगा, जैसा कि किसने बताया, हाँ विशाल ने बताया है, इसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा आएगा, रेक्टेंगल आएगा, और नेगेटिव होगिंग है, लेकिन मैं बेस लाइन से कहाँ ले रहा हूँ, ऊपर मान के चल रहा हूँ, बारिश इसलिए आ रही है क्योंकि मेरा गला खराब हो गया है ना, थोड़ी सर्दी जुकाम लग गई उसकी वजह से गला खराब हो गया, इसलिए आवाज़ भारी आ रही है, नहीं नहीं इतनी इतनी दिक्कत नहीं है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको पता है होगिंग आएगा, ये मोमेंट इसको बीम को कैसे कैसे बेंड करेगा, ऐसे बेंड करेगा ना, जैसे मान लो ये बीम है, इस बीम को ये ऐसे बेंड करेगा होगिंग ऐसे, तो इसको अपन ने क्या हुई, इसको होगिंग बोलते हैं अपन, और इसको बोलते हैं सेगिंग, इसको बोलते हैं सेगिंग, ये होगिंग और ये सेगिंग, तो ये होगिंग है, तो होगिंग को अपन अपन ने क्या माना है कि फिक्स्ड एंड मोमेंट के लिए जो एंड मोमेंट आ रहा है उनके लिए अपन बेस लाइन से ऊपर लेंगे नेगेटिव, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं अपन, इसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इसकी वजह से सेगिंग आएगा, और सेगिंग में सिंपली सपोर्टेड में क्या माना था कि उसको अपन ऊपर लेंगे, है ना, ऐसा। वीडियो पॉज हो गया तो दोबारा से बताना, हाँ बता देंगे दोबारा से, है ना, एक बार आप देख लीजिए। अब यहां पे देखिए, अब इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे,
देखो ये साइन कन्वेंशन क्यों लिया है, इसका तो सोम में आपका चल रहा है वही है, इसका तो एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से। लेकिन इसका चेंज क्यों करा है अपन ने, इसका चेंज इस वजह से करा है ताकि अपन को फाइनल जो नेट बेंडिंग मोमेंट है वो अपने को मिल सके, है ना। अब देखो इस स्ट्रक्चर के ऊपर फाइनल फाइनल मोमेंट कितना आ गया, ये जो मोमेंट आया था वो किसकी वजह से था, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से। और जो ये मोमेंट आ रहा है ये किसकी वजह से है, ये जो एंड मोमेंट की वजह से है। अब देखो ये वाला एरिया तो कैंसिल आउट हो गया, पूरा ही कैंसिल आउट हो गया ना, ये तो नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया। ये तो क्या क्या बच गया, अब बच गया उसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, ये एरिया बच गया, ये और ये, इतना एरिया बच गया बस। तो ये वाला तो कैंसिल आउट ही हो गया, माइनस हो गया ये तो इसकी अपने को टेंशन है ही नहीं इस मोमेंट की, इसके लिए स्ट्रक्चर को डिजाइन करने की जरूरत नहीं इस मोमेंट के लिए। अब किसके लिए डिजाइन करेंगे, केवल इसके लिए डिजाइन करेंगे, इस मोमेंट के लिए जो बचा हुआ मोमेंट है इसके लिए डिजाइन करेंगे। तो ये जो मोमेंट है ये कौन सा मोमेंट है, ये तो है नेगेटिव वाला मोमेंट, ये जो है ना ये नेगेटिव मोमेंट है ये तो नेगेटिव मोमेंट तो कितना आ रहा है स्ट्रक्चर पे, ये अपने को पता लग गया, और ये इतना पॉजिटिव मोमेंट आ रहा है ये। अब अपन इसी के लिए डिजाइन करेंगे ना, इस बीच वाले की टेंशन खत्म हो गई अपने को, इस वजह से वो सर ये ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल बनाने का रीजन ये सचिन ये सोम के अंदर अपन पढ़ते हैं ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मोमेंट की वजह से कैसे आता है, ठीक है, और इसकी वजह से कैसे आता है ये चीज। प्लस क्यों करा दोनों को प्लस इस वजह से कराया अपन ने ताकि अपने को नेट मोमेंट मिल सके, ताकि नेट मोमेंट मिल सके अपने को। भाई ये तो आ रहा है होगिंग और ये आ रहा है सेगिंग, तो जो नेट मोमेंट करेंगे उसके लिए अपने, जैसे ऐसे मान लो ये एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, किसी स्ट्रक्चर के ऊपर है ना जो सेगिंग बेंडिंग मोमेंट है, सेगिंग बेंडिंग मोमेंट है ना वो कितना आ रहा है, 110 किलो न्यूटन इंटू में मीटर आ रहा है, मतलब ये आ रहा है पॉजिटिव। होगिंग बेंडिंग मोमेंट है, होगिंग बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ रही है 80 किलो न्यूटन इंटू में मीटर। तो सेगिंग स्ट्रक्चर को कैसे बेंड करता है, सेगिंग स्ट्रक्चर को ऐसे बेंड करता है और होगिंग स्ट्रक्चर को ऐसे बेंड करता है। तो मैं अगर रिजल्टेंट की बात करूं तो होगिंग है ये, तो होगिंग को माइनस में लिखूंगा मैं, तो 110 प्लस ये माइनस 80, दोनों को मैंने जोड़ दिया तो 110 ये माइनस 80, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, 30 पॉजिटिव। तो ये 30 पॉजिटिव के लिए ही मैं डिजाइन करूंगा स्ट्रक्चर को, फालतू में इसके लिए क्यों डिजाइन करूंगा, है ना, इस वजह से मैंने अलग अलग बनाया। तो आप इसको एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए, इसको एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए, इसको एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ दोबारा समझा देंगे ना, देखो ये आपकी एग्जाम्पल है, फिक्स्ड एंड है और ये पी लोड लगवा मिड के ऊपर, है ना। अगर सर पी लोड ना होता तो ट्रायंगल वाला नहीं बनता, अगर मेरी बात सुनो, अगर पी लोड ही नहीं होगा स्ट्रक्चर पे तो कोई सा डायग्राम नहीं बनेगा, ना तो ट्रायंगल बनेगा ना रिएक्टेंगल बनेगा। ये जो मोमेंट आ रहा है ये भी तो इस पी लोड की वजह से ही आ रहा है ना, है ना। अगर पी लोड सर क्वेश्चन में तो दोनों फिक्स सपोर्ट थे तो आप बाद में हिंज और रोलर सपोर्ट क्यों लिए। देखो ये जो ऐसा इस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर ऐसा अजम्पशन लेते हैं कि जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करो ना तो आप ऐसे मान के चलो कि ये क्या सिंपली सपोर्टेड है। और क्यों मान के चलते हैं ऐसा, जो पार्ट पर हैचिंग है डायग्राम में वो
देना है क्या? देखो ये वाली जो है ना, ये वाली, ये तो कैंसिल आउट हो गई, ये वाली, ये वाली मैं इसको रेड से शो कर देता हूं। ये वाला पोर्शन है ना, ये तो हो गया कैंसिल आउट, नेगेटिव से पॉजिटिव कट गया, केवल ये बचा है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये बचा है, ये बचा है। हाँ, तो मैं रिपीट कर रहा था ये, तो ये जो मोमेंट, अगर ये पी लोड नहीं हो तो दोनों ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी मतलब बनेंगे ही नहीं, सिंपल समझ रहे हो ना बात को। अगर पी लोड ही नहीं हो, पी लोड ही नहीं हो तो मोमेंट भी नहीं आएगा, ना तो रिएक्टेंगल बनेगा ना ट्राइंगल बनेगा, ये पी लोड की वजह से ही तो बन रहा है। अब मेरी बात सुनो आप, अपन क्या कर रहे हैं, इस पी लोड की वजह से कितना यहाँ पे फिक्स्ड एंड मोमेंट आ रहा है, बाहर का होता है कट या अंदर का? देखो विपिन, कट बाहर का अंदर के से मतलब नहीं है, जो जो ओवरलेप करेगा ना, जो ओवरलेप करेगा एक दूसरे के ऊपर वो कट हो जाएगा। हाँ ओके, बना देंगे वैसा, है ना, ठीक है। जो जो पोर्शन, जितना पोर्शन ओवरलेप करेगा दोनों का वो कट हो जाएगा, है ना। सेफ वेल्ड को, सेफ वेट को अपन नेगलेक्ट मान के चलते हैं, है ना। सेफ वेट, जो सेल्फ वेट होता है ना स्ट्रक्चर का, उसकी वजह से अपन कोई नहीं मानते कि उसकी वजह से कोई बेंडिंग मोमेंट आता है, कोई शियर फोर्स आता है। ये आपने अजम्पशन, जब शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ी होगी ना आपने सोम में, तब स्टार्ट करने से पहले अजम्पशन में यही चीज लिखते हैं अपन। हाँ, दोनों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अलग अलग बना दिया है ना, और एड कर दिया बस। अब मैं, कुछ स्टूडेंट बोल रहे कि अलग अलग बना दो, ओवरलैप को हटा देते हैं, तो देख लो ओवरलैप को हटा देते हैं अपन, है ना। मैं यहाँ बना देता हूँ, मैं यहाँ बना देता हूँ उसको, उसको मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो आपको रेड कलर से नहीं दिखता ना प्रॉपर, सॉरी इसको मिटा देता हूँ। अब जो रिजल्टेंट है ना डायग्राम, उसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ये देखो। रिजल्टेंट डायग्राम देखो, इस वाले पोर्शन को ओवरलैप कर रहा है, मैंने इसको हटा दिया, तो देखो क्या बचा है, क्या बचा है, ये बचा है। इसके बाद में यहां पे ये बचा है और यहां पे ये बचा है, इतना ही बचा है, ये वाला पोर्शन नहीं है इसमें, है ना। ठीक है, जो अब जो पोर्शन है ना जिसके लिए डिजाइन करना है, वो ये है और ये है और ये वाला है बस, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव और ये भी है नेगेटिव, ये तो कैंसिल आउट हो चुका है, इसको मैं जीरो लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लो। हाँ, ये जो बीच की हैचिंग है ना, ये वाली, इसको हटा दिया मैंने बस, उसकी टेंशन नहीं है। अब जो मेन स्ट्रक्चर को डिजाइन बेंडिंग मोमेंट आ रहा है ना मेन स्ट्रक्चर पे, वो ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है। बेस लाइन भी नहीं होगी ना, बेस लाइन अपन, आप इसी को मान लो ना, ये रही ना बेस लाइन, ये तो बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, मतलब ये इसको एक तरह से अपन, जैसे आप एफएम में पढ़ते हो डेटम, है ना, मतलब इस बेस लाइन के ऊपर ऊपर मेजर कर रहे हैं अपन। अभी इस बेस लाइन के ऊपर जो मोमेंट आ रहा है ना, वो इसके ऊपर ऊपर, ये है बेस लाइन इसकी, इस बेस लाइन के ऊपर ऊपर मेजर कर रहे हैं अपन। हाँ आगे चल लेते हैं अब। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इसी के अंदर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, ये चीजें क्लियर होगी, ये अपन जब फाइनल क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, तब अपने काम में आएगी ये चीजें। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी सबके, आगे चलिए नेक्स्ट, आगे चलिए नेक्स्ट, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हेडिंग डालिए, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हेडिंग डालिए, फिक्स्ड एंड मोमेंट। हेडिंग डाली होगी, देखिए क्या है,
सर फिक्स्ड एंड में यूडीएल का केस बता दो। हाँ फिक्स्ड एंड में यूडीएल का केस बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स्ड एंड में यूडीएल का केस बता देंगे, है ना। द मोमेंट रिएक्शन, देखो फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होता है, द मोमेंट रिएक्शन, द मोमेंट रिएक्शन डेवलप्ड डेवलप्ड टू प्रिवेंट द रोटेशन, टू प्रिवेंट द रोटेशन एट द सपोर्ट, टू प्रिवेंट द रोटेशन एट द सपोर्ट नॉन एज फिक्स्ड एंड मोमेंट, नॉन एज फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, ठीक है। टोटल मेरे ख्याल से 15 क्लास में कंप्लीट हो जाना चाहिए, आज 7वीं क्लास है, तो आज के बाद में 8-9 क्लास और लगेगी, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है टॉस एसएससी जेईई के लिए 45 से 50 घंटे के बीच में टाइम इसमें लगता है अच्छे से पढ़े तो, ठीक है, तो इतना ही टाइम लगेगा, तो 15-16 क्लास में हो जाएगी, है ना। हाँ जेईई में आता है, जेईई में आता है ये पूरा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी प्री के अंदर। हाँ मेंस में तो क्वेश्चन 100% आता ही आता है, मेंस में तो श्योर है क्वेश्चन आएगा, लेकिन प्री के अंदर जो क्वेश्चन आएगा ना वो यहाँ से बनेगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट, कैरी ओवर फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, स्टिफनेस ऑफ ए जॉइंट, वो हाँ अभिनव, हाँ जेई प्री के अंदर, हाँ ऐसे से जेई पक्का निकलेगा। आप साथ के साथ में जो सब्जेक्ट चल रही है उनके मैंने 3 चीज़ें बताई है क्या क्या करना है, वो करते रहिए। अब देखो जो डाउट है, वैसे तो मैं डाउट क्लियर करके ही चल रहा हूँ, जो मुझे व्हाट्सअप करते हैं सबके 12 बजे से पहले पहले, किन्हीं का डाउट, जैसे एक का अभी मैंने सुबह भी देखा क्लास में ही, है ना, कोई मैसेज आया होता लगभग 1 बजे के आसपास, तो मैं क्या एक्चुअली सो जाता हूँ 12 बजे, तो अब जो 1 बजे जिसने रात को मैसेज करा उसका अब मैं आज के 12 बजे से पहले पहले दूंगा, ठीक है ना। यार ये तो मुझे नहीं पता, मेंस की अलग से शायद होती होगी, है ना, होती है मेंस की भी अलग से, लेकिन आप साथ में इतना टाइम नहीं रहता ना, तो आप साथ साथ में करते हुए चलो, बस आप कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व मत करो, ऑब्जेक्टिव। हाँ हाँ कौन कौन सी बुक करनी है, एक तो गुप्ता एंड गुप्ता बताइए, एक आईएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जरूरी नहीं है आप आईएएस मास्टर लो या मेडीजी लो या किसी कोचिंग की लो, मैं तो सबसे बेस्ट मानता हूँ कि आप डाउनलोड कर लो पेपर को, और एसएससी जेईई के प्रीवियस क्वेश्चन है ना उनको भी आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी बुक कोचिंग की बुक लेते हो तो आपको उनमें सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन जहाँ होता है सबसे गंदी आदत क्या रहती है, एक बार में नहीं होना तो फिर सॉल्यूशन देखने की, है ना। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होता है, द मोमेंट रिएक्शन डेवलप टू प्रिवेंट द रोटेशन एट द सपोर्ट नॉन एज फिक्स्ड एंड मोमेंट, ओके ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं, एग्जाम्पल फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होता है, यही ले लेते हैं अपन फिक्स सपोर्ट का, जैसे मान लो ये पी लोड लगा हुआ है मिड पे, मिड पे पी लोड लगा हुआ है ना, मिड पे पी लोड लगा हुआ है। अब देखो फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या बताया कि मोमेंट रिएक्शन, अब यहां पे ये क्या करेगा, मोमेंट को इसकी वजह से यहां पे इसमें रोटेशन होने की कोशिश होगी, है ना, ये जो एक्सटर्नल लोड पी लगा हुआ है इसकी वजह से स्ट्रक्चर में क्या होगा, रोटेशन होगा, लेकिन फिक्स्ड एंड है तो फिक्स्ड एंड रोटेशन को अलाउ करेगा नहीं, है ना। देखो तो इसकी मैं अगर डिफ्लेक्टेड से बनाता हूं तो कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट करेगा ये, है ना, कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट कर जाएगा,
तो मैं डिफ्लेक्टेड से बनाया हूँ इसका, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बनाया हूँ। ये क्या है? यह है डिफ्लेक्टेड सेफ, डिफ्लेक्टेड सेफ कि कैसे डिफ्लेक्ट करेगा है, है ना? तो यहां पे रोटेशन को अलाउ करेगा नहीं है, और यहां पे भी रोटेशन को अलाउ करेगा नहीं। इसका मतलब जब रोटेशन, अगर मैं इसको ए एंड मान लेता हूं, इसको मैं बी एंड मान लेता हूं, तो रोटेशन को अलाउ नहीं कर रहा है। थीटा ए और थीटा बी की वैल्यू कितनी है इस वाले केस में? जीरो। रोटेशन होगा ही नहीं क्योंकि फिक्स्ड एंड है, तो रोटेशन को रोक रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ मोमेंट रिएक्शन दे रहा है। रोटेशन को कौन रोकता है? मोमेंट रिएक्शन। अब देखो, फिक्स्ड एंड मोमेंट को समझने के लिए, फिक्स्ड एंड मोमेंट को समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था ना अपन ने, सेम वही कर रहा हूं। जैसे यहां पे मोमेंट एम आ रहा है, यहां पे मोमेंट एम आ रहा है, प्लस यहां पे पी लोड लगा हुआ है मिड पे, ठीक है? आपने सोम पढ़ी हुई है, बताओ कितना डिफ्लेक्शन होगा यहां पे, कितना डिफ्लेक्शन होगा, डेल्टा बताओ कितना होगा। सिंपली सपोर्टेड बीमर, पी लोड लगा हुआ मिड पे, बताओ डेल्टा कितना होगा, कमेंट में लिखिए जब आपने पढ़ा हुआ है। जिन लोगों ने सोम में चीजें पढ़ी हुई है ना वो बताइए, बताइए कितना होगा, कमेंट करिए। पी एल क्यूब अपॉन में 48, मैं बताइए, बताओ यार, अभी तक किसी ने, जिन्होंने सोम पढ़ा है कम से कम वो तो बताओ, जिन्होंने सोम पढ़ी है वो तो कम से कम बताओ। अरे यार, मतलब तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो। देखो, जो भी आपकी सब्जेक्ट खत्म हो जाए उसके शॉर्ट नोट्स आप बना लो उस सब्जेक्ट के, और उनको टाइम टू टाइम देखते रहो। नहीं तो जब आप एग्जाम टाइम में देखोगे ना तो आपको एकदम नई सी चीज लगेगी कि यार ये क्या था, है ना? अगर सिंपली सपोर्टेड है और मिड पे लोड लगा हुआ है, उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी आती है, पी एल स्क्वायर अपॉन में 16 ई एस, डिफ्लेक्शन नहीं है, सॉरी ये मैंने रोटेशन है, रोटेशन पूछ रहा हूँ मैं ना, कितना रोटेशन आता है थीटा, पी एल स्क्वायर अपॉन में 16 ई आई आता है ना? लेकिन हाँ, डिफ्लेक्शन भी किसी ने सही नहीं बताया, मुद्दा वो नहीं है, वो क्या था? हाँ तो डिफ्लेक्शन भी पी, हाँ अच्छा चलो, डिफ्लेक्शन तो सही था, पी एल क्यूब अपॉन में 48 है, चलो ठीक है, रोटेशन ये होता है, ठीक है। अब यहां पे इसकी वजह से रोटेशन कितना होगा, ये थीटा ए और मिड पे लगा हुआ, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो थीटा ए बराबर थीटा बी इतना होगा इसकी वजह से। इसकी वजह से बताओ कितना होगा, इसकी वजह से मान लो ये बीम कुछ ऐसे रोटेट कर गई, ये थीटा ए डेस, और इसको नाम दे दिया मैंने थीटा बी डेस, तो सिमेट्री है तो थीटा ए डेस और थीटा बी डेस, इसकी वजह से बताओ कितना होगा, थीटा ए डेस। हाँ, डिफ्लेक्शन वालों जो पी एल क्यूब अपॉन में 48 का ही उन्हें आंसर दिया था, उनका सही है। इसकी वजह से बताओ थीटा कितना होगा, मोमेंट लगा हुआ है, बताओ देखे सब बताओ। बताइए, हाँ एम एल अपॉन में 2EI, एम एल अपॉन में 2EI। अब मैंने इस स्ट्रक्चर को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया मैंने, है ना? हाँ सही बताया, एम एल अपॉन में 2EI, सबने सही बताया लगभग, है ना? इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या करा, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, फाइनल अपनी स्टार्टिंग में ये थी, थीटा ए पे रोटेशन क्या है, जीरो है,
अलाउ करेगा ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसकी वजह से जो रोटेशन हो रहा है और इसकी वजह से जो रोटेशन हो रहा है, इसकी वजह से कैसा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज और इसकी वजह से हो रहा है क्लॉकवाइज, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे तभी तो यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं होगा। तो थीटा ए डेस इक्वल टू थीटा बी डेस होंगे, बराबर हो जाएंगे दोनों, तभी यहाँ पे रोटेशन नहीं होगा। इस वाले पे तो मैं दोनों को बराबर कर देता हूँ, तो एम एल अपोन में टू आई इक्वल टू पी एल स्क्वायर अपोन में 16 ई आई, ठीक है, दोनों को बराबर कर दूं मैं तभी तो रोटेशन रुकेगा। तो देखो यहां से ई आई से ई आई कैंसिल आउट हो गया है ना, एक एल से एक एल उठ गया 2 और 8, तो मोमेंट की वैल्यू तो फिक्स्ड एंड मोमेंट डेवलप हो रहा है कितनी आ गई पी एल अपॉन में 8 आ गई। ये तो इस थीटा ए को रोकने के लिए या फिर थीटा ए को जीरो करने के लिए कितना मोमेंट डेवलप होगा यहाँ पे, या ये क्या है एम, इसको मोमेंट रिएक्शन एम आर से लिख देता हूं मैं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। एम आर ये मोमेंट रिएक्शन है, ये जो सपोर्ट है ना इतनी मोमेंट रिएक्शन जनरेट कर देंगे, मोमेंट रिएक्शन बोल दो या फिर फिक्स्ड एंड मोमेंट बोल दो, फिक्स्ड एंड मोमेंट, फिक्स्ड एंड मोमेंट बोल दो या फिर एम आर बोल दो, एक ही बात है। इसको एफ ई एम से भी लिखेंगे अपन, एफ ई एम से शॉर्ट में एफ ई एम फिक्स्ड एंड मोमेंट, मोमेंट रिएक्शन, तो कितनी हो जाएगी पी एल अपॉन में 8। तो ये वाला अब देखो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि फिक्स सपोर्ट है, वीडियो पॉज हो गया क्या, वीडियो पॉज हो गया ना, वीडियो पॉज हो गया, मेरी आवाज की नहीं, यूजर जीरो क्या हो रहा है, वीडियो पॉज हो गया, यूजर भी जीरो हो गए, कुछ तो मिस्टेक हुई है। यूजर भी जीरो क्या है, ठीक है, ओके सर।
ठीक है, वॉइस आ गई, अब माइक ऑफ कर रखा था, ठीक है, प्रॉपर है थोड़ा सा, अब ठीक है सब, हाँ क्लियर है, सब क्लियर है ना। तो देखो, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट का मतलब क्या होता है कि जो मोमेंट रिएक्शन है वो कितनी डेवलप होगी एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से। तो अगर अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे, प्री एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि वो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट रिएक्शन और फिक्स्ड एंड मोमेंट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट, तो कितनी वैल्यू आएगी, पी एल अपॉन में 8। फिर से पॉज हो गया क्या? ठीक है, पहले वाली बता रहे हो, ओके फोर्स्ड, ठीक है ना। तो इसको बना लीजिए एक बार, इसको बना लीजिए, थोड़ा सा नेट इश्यू था इस वजह से प्रॉब्लम आ गई थी, इसको सब बना लीजिए। ये समझ में आएगा सबके, बताओ। ये समझ में आएगा सबके, अगर किसी को, हाँ देखो अपनी हेडिंग है फिक्स्ड एंड मोमेंट। सबसे पहले फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होता है, फिक्स्ड एंड मोमेंट होता है कि जो एक्सटर्नल लोडिंग है उसकी वजह से कितना मोमेंट रिएक्शन आ रहा है सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, वो है कितना मोमेंट रिएक्शन जनरेट हो रहा है, वो फिक्स्ड एंड मोमेंट है। पर्सनल कमेंट बंद करिए प्लीज, समझने की कोशिश करिए। देखिए उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसे ही पढ़ाओगे, मतलब थोड़ा सा आज स्लो है, ठीक है, अभी इसके ऊपर अपन एग्जांपल लेंगे, जस्ट खत्म होने ही वाला है, ठीक है। आज हल्की सी थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है सर्दी जुकाम की वजह से, तो आज 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 कोऑपरेट करिए प्लीज, ठीक है। तो देखिए ये फिक्स, दोनों सपोर्ट फिक्स्ड है और पी लोड लगा दिया मिड के ऊपर, ठीक है, ये अपन ने पी लोड लगा लिया, तो उसकी वजह से देखिए, देखिए जो फिक्स सपोर्ट है वहां पे ये रोटेशन अलाउ करेगा नहीं, रोटेशन अलाउ करेगा नहीं क्योंकि फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना आएगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होता है इसकी डेफिनेशन आप क्लियर करिए। फिक्स्ड एंड मोमेंट होता है कि कितनी मोमेंट रिएक्शन डेवलप हो रही है सपोर्ट पे उस रोटेशन को रोकने के लिए, ठीक है, रोटेशन को रोकने के लिए कितनी मोमेंट रिएक्शन डेवलप हो रही है। अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को, अपन ने दो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अपन ने पढ़ा है पहले, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में क्या, अगर आप टोटल डिफ्लेक्शन या टोटल रोटेशन निकालना चाह रहे हो तो आप अलग अलग करके फिर उनको ऐड कर दो। डिफ्लेक्शन की बात नहीं हो रही पहले, अपन मोमेंट की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे मोमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन, मोमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन, इस वजह से यहाँ पे मोमेंट लिया है, रोटेशन लिया है, इस वजह से डिफ्लेक्शन नहीं लिया। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग लिया मैंने, ये मोमेंट जो लगा हुआ है उसकी वजह से, सपोज यहाँ पे जो पी लोड की वजह से मोमेंट कितना आएगा यहाँ पे, इसमें अगर मान लो सपोर्ट फिक्स ना हो, सिंपली सपोर्टेड होए, तो कितना मोमेंट आएगा, एम मोमेंट आ रहा है। अब इसकी वजह से कितना रोटेशन हो सकता है यहाँ पे, ये अपने पढ़ा हुआ है एम एल अपोन में 2A, एम एल अपोन में 2A, एम एल अपोन में 2A हो सकता है। और ये जो पी लोड है इसकी वजह से कितना रोटेशन हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट पे, इतना हो सकता है। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या, अपना क्वेश्चन ये है, अपना सपोर्ट तो फिक्स है मतलब यहाँ पे रोटेशन नहीं होगा, तो रोटेशन नहीं होगा इसका मतलब इन दोनों रोटेशन ने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, अपने आप को बैलेंस कर लिया इन्होंने। हाँ एम आर में फिक्स एंड मोमेंट को एम आर से लिख रहा हूँ, मोमेंट ऑफ, हाँ आप सही बोल रहे हो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है एम आर स्मॉल आर, है ना। तो अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पे कोई कुछ रोटेशन नहीं आएगा। तो इसकी वजह से जो रोटेशन आ रहा है और इसकी वजह से जो रोटेशन आ रहा है,
इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। तो एम एल अपॉन में टू ए इक्वल टू पी एल स्क्वायर अपॉन में 16 ए, इसको बराबर कर दिया। तो ये जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है, जो ये फिक्स्ड एंड मोमेंट है, जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है वो कितना आ गया, पी एल अपॉन में 8। ठीक है, इसको नोट कर लिया। अब आगे फिक्स्ड एंड मोमेंट के मैं बढ़ा देता हूँ अलग अलग। ये एग्जांपल दिया था मैंने ये, ठीक है, लास्ट वाली लाइन में एक थीटा पर दो डेस लगाया है और एक पर थीटा इक्वल थीटा के, डेस इस वजह से लगाया मैंने क्योंकि अपने अलग अलग डायग्राम बनाए ना, तो थीटा ए बराबर थीटा बी ये है ना, तो थीटा ए डेस, अच्छा जा ओके, यहाँ पे थीटा ए है, सॉरी थीटा ए और थीटा ए डेस ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तभी तो यहाँ पे नेट मोमेंट कितना रहेगा, सॉरी नेट रोटेशन कितना रहेगा, 0। हाँ तो थीटा ए डेस इक्वल टू थीटा ए हो जाएगा। तो एम एल अपॉन में टू ए इक्वल टू ये कर दिया अपन ने बराबर। ऐसा ही आप यहाँ भी कर सकते हो, वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी बी पे भी। आपका क्या था मृत्युंजय, देखता हूँ मैं एक बार, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड फिक्स्ड मोमेंट सेम होता है क्या? देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है किसी भी सेक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है मोमेंट को लेने की, उसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और फिक्स्ड एंड मोमेंट की जो बात होती है, चीज़ें दोनों एक तरह से देखा जाए तो चीज़ें सेम है, लेकिन फिक्स्ड एंड मोमेंट अपन केवल सपोर्ट की बात करते हैं, केवल सपोर्ट की। और जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ना, जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन के ऊपर आपने मोमेंट लगाया है, तो इस पेन की जो मोमेंट लेने की कैपेसिटी कितनी है वो हो गई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और फिक्स्ड एंड मोमेंट की बात करते हैं अपन, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही है लेकिन ये कहाँ का है, ये सपोर्ट का है, बस इतना सा डिफरेंस है। बेयरिंग कैपेसिटी एक और चीज आई है, देखो बेयरिंग कैपेसिटी और समझते हैं। बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, बेयरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं अपन, जैसे मान लो कोई आपने सर ने अभी सुदीप माहेश्वरी नहीं आया अभी, समझ क्या समझ नहीं आया अभी बताओ सुदीप, फिक्स्ड एंड मोमेंट वाला और रेजिस्टेंस मोमेंट जो है, हाँ अच्छा ये ओके ओके, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है एमआर, ये फिक्स्ड एंड मोमेंट है। मैंने एमआर एमआर जो डिनोट करा ना, ये फिक्स्ड एंड मोमेंट को डिनोट करा है मैंने, है ना, फिक्स्ड एंड मोमेंट को। आप कंफ्यूज हो रहे हो फालतू में, तो इसको एफ ई एम लिख लो, है ना, अगर आपको लग रहा है ना कि हम इससे कन्फ्यूज हो रहे हैं, सेम नोटेशन रह गए है ना, तो आप इसको एक काम कर लो एफ ई एम लिख लो यहाँ पे, ये लो एफ ई एम से डिनोट कर दो इसको, ठीक है, इसको एम आर से मत लिखो, इसको आप एफ ई एम लिख दो आप, ठीक है। बिल्कुल सेम होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड फिक्स्ड एंड मोमेंट सेम होता है, लेकिन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसी सेक्शन की बात करते हैं और फिक्स्ड एंड मोमेंट केवल सपोर्ट की बात करते हैं, इतना सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी क्या होता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी मोमेंट लेने की, वो होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे सपोर्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है मोमेंट लेने की, वो फिक्स्ड एंड मोमेंट ही तो है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट की बात होती है बस, वहां पे किसी अपन क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं बेंडिंग को रोकना, बट यहाँ पर फिक्स सपोर्ट के लिए तो फिक्स्ड एंड मोमेंट ही बोल रहे हैं, है ना। हाँ चलिए अब आगे चलते हैं फालतू, तो इसके अंदर अब मेरे ख्याल से समझ में सबको आ गया। हाँ अब मैं सारे केस ले लेता हूँ यहाँ पे, पहला केस फिक्स्ड एंड मोमेंट का, पी लोड लगा हुआ है सेंटर पे ए और बी, ठीक है, तो एम फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए बी, फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए बी इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है माइनस पी एल बाई 8 एंड फिक्स्ड एंड मोमेंट इक्वल टू 8 बी ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है प्लस
पीएल बाई एट। अब इसे कंफ्यूज मत होना कि सर पहले तो आपने प्लस लिया था, मैंने पहले एक जनरल केस लिया था ए और बी दोनों के लिए, मैंने प्लस और माइनस ऐसा कुछ लिया नहीं था, है ना, मैंने लिया था एक जनरल केस ए और बी दोनों के लिए कि वैल्यू पीएल अपॉन में एट रहती है, ठीक है। सेकंड सेकंड चलिए फिक्स्ड एंड मोमेंट, हाँ फिक्स्ड एंड मोमेंट के लिए ये और देख लो, इसको इससे डिनोट करते हैं एम बार ए बी से, एम बार ए बी से, और इसको एम बार बी ए से। अलग अलग बुक में आपको ये नोटेशन तो अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कोई एफ लगा देता आगे, एम एफ बी ए, एम एफ ए बी, तो आपस ये ध्यान रखो कि ये क्या है, फिक्स्ड एंड मोमेंट है। अगला जो सेकंड है वो यूडीएल लगा हुआ है, ये ए और बी यूडीएल लगा हुआ है, तो एम बार ए बी फिक्स्ड एंड मोमेंट, ए बी पर जो फिक्स्ड एंड मोमेंट वो कितना होता है, माइनस डब्लू एल स्क्वायर अपॉन में 12, और एम बार बी ए उसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लस डब्लू एल स्क्वायर अपॉन में 12, ठीक है। नोट कर लीजिए, सबके डेरिवेशन करने की जरूरत है नहीं, वैसे इसका डेरिवेशन आप खुद भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। कल एक के लिए मैंने बोल रहा था कि उसका डेरिवेशन खुद करके लाना, तो मैंने क्लास में ही कर दिया था, तो इसका आप खुद से करना, देखे इतना ही फिक्स्ड एंड मोमेंट आता है क्या, देखे खुद से करना, देखे इसको। सेकंड केस हो गया, इसका खुद से डेरिवेशन करने की ट्राई करना, देखे फिक्स्ड एंड मोमेंट इतना ही निकाल पा रहे हो क्या। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, तो इनको याद रखना अच्छे से। तीसरा केस लेता हूं मैं, थर्ड केस, आगे चलो मैं, अगर आपने नोट कर लिया हो तो, अगर आपने नोट कर लिया हो तो आगे चलता हूं मैं। तीसरा केस लेते हैं अपन, तीसरा केस पी लगा हुआ है यहां पे, और ये डिस्टेंस ए और ये बी है, अब की बार ए बराबर बी नहीं है, मतलब मिड पे नहीं है, तो देखो एम बार ए बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो एम बार ए बी कितना आएगा, ये होता है माइनस पी ए बी स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, और एम बार बी ए इसकी वैल्यू होती है प्लस पी बी ए स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। इन वैल्यू को अच्छे से याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछते हैं। नंबर फोर, चौथा केस क्या है, ये फिक्स है, यूडीएल लगा हुआ है हाफ पे, हाफ तक यूडीएल लगा हुआ है, एल बाई टू तक, और ये हो जाएगा एल बाई टू लास्ट, ए और बी, एम बार ए बी इस वाले केस में कितना होता है, माइनस 11 बटा 192 डब्ल्यू एल स्क्वायर, ठीक है, और एम बार बी ए इसकी वैल्यू आती है प्लस 5 डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में 192। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, कर लीजिए इसको। चार केस हो गए, ये फिक्स्ड एंड मोमेंट को अच्छे से याद कर लेना आप। आगे चलते हैं अपन, पांचवा केस, केस नंबर 5 क्या है अपने पास, ये है यूवीएल लगा हुआ है, ये यूवीएल लगा हुआ है, ये ए और ये बी है, ठीक है, तो इसकी वजह से देखो एम बार ए बी कितना आता है, माइनस 5/92 डब्ल्यू एल स्क्वायर, ठीक है, और उसकी वजह से कितना हो जाएगा प्लस, सॉरी 92 नहीं है, 96 है, और इसकी वजह से एम बार बी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 5 अपॉन में 96 डब्ल्यू एल स्क्वायर, ठीक है, बेक, ओके ये बेक लो।
आगे चलिए। चट्टा जो केस है, चट्टा केस क्या लगा हुआ है? इस टाइप से ये ट्राइंगुलर यूवीएल है, ए और बी, इसकी वजह से फिक्स्ड एंड मोमेंट एम बार ए बी पे कितना होता है? माइनस डब्लू एल स्क्वायर अपॉन में 30, और एम बार बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस डब्लू एल स्क्वायर अपॉन में 20। जल्दी से नोट कर लीजिए दोनों को। यहाँ पे यूवीएल है डब्लू पर मीटर है ना, और यहाँ भी डब्लू पर मीटर यूवीएल लगा हुआ है। जल्दी से नोट करिए, आगे चलते हैं। सर ए प्लस माइनस मतलब बता दो। अच्छा, प्लस माइनस का मतलब नोट करिए, बता देंगे। नोट कर लिया क्या आपने ये? डन डन, अगला केस लेता हूं मैं। अगला सातवां केस, केस नंबर 7। यहां पे क्लॉकवाइज मोमेंट कितना लगा हुआ है? एम नॉट लगा हुआ है, तो एम बार ए बी, ये ए है और ये बी है। फिक्स्ड एंड मोमेंट ए बी इक्वल टू फिक्स्ड एंड मोमेंट बी ए इक्वल टू कितना आ रहा है? एम नॉट बाई 4 आता है ना। इसी केस में ये भी पूछा हुआ एग्जाम में, ये सारे जो मैं लिख रहे हैं ना अपन, ये पूछते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज लगा हुआ है एम नोट, तो एम बार ए बी और एम बार जो बी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? माइनस एम नोट बाई 4 वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आठवां केस, मोमेंट लगा हुआ है एम नोट और ये किसी, आपकी बार सेंटर पे नहीं है, आपकी बार सेंटर पे नहीं है, आपकी बार कहाँ है? ए और बी कोई डिस्टेंस है, दोनों अलग अलग डिस्टेंस है ये, सेंटर के ऊपर नहीं लग रहा है, है ना? तो देखो मोमेंट कैसे आता है, एम नोट ये है, ये इसकी जो टोटल लेंथ है ना वो कितनी है? एल है, और यहाँ पे ए बराबर बी नहीं है, मतलब सेंटर पे नहीं है, ए बराबर बी यहाँ पे नहीं है। तो देखो एम बार ये ए है और ये बी है, तो एम बार ए बी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एम नोट बी अपॉन में एल स्क्वायर इंटू 3 ए माइनस एल, और एम बार बी ए इसकी वैल्यू होती है एम नोट ए अपॉन में एल स्क्वायर इंटू 3 बी माइनस एल। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये नवा केस में यहां लिख देता हूं, नवा जो केस है ना वो मैं यहां लिख देता हूं। ये फिक्स सपोर्ट है, अब किसी वजह से मान लो ये फिक्स सपोर्ट क्या इल्ड कर गया, फिक्स सपोर्ट इल्ड कर गया मान लो, किन्हीं वजह से ये फिक्स सपोर्ट ऐसा इल्ड कर गया डेल्टा से, कितने से इल्ड कर गया डेल्टा से। तो देखो इसका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा ना, ये देखो मेंबर यहां से इल्ड करके, तो जो मोमेंट डेवलप होगा एम बार ए बी और एम बार बी ए, मोमेंट अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, उसकी वैल्यू होती है -6 ई आई एल स्क्वायर इंटू में डेल्टा।
माइनस सिक्स ई आई एल स्क्वायर अपॉन में डेल्टा। ये नौ केस है। अब प्लस माइनस का कुछ पूछ रहे थे, मैं बता देता हूं। ए और बी में बड़ी लेंथ कौन सी है? अच्छा देखो यहां पे दोनों बराबर नहीं है, तो यहां पे इस वाले केस में बी ग्रेटर देन ए है। नवे में क्या लिखा है देखिए, विशाल फिक्स सपोर्ट है, ये डेल्टा से सिंक कर रहा है, मतलब डेल्टा से क्या कर गया, ये डिफ्लेक्ट कर गया नीचे। हाँ ये भी हो सकता है ना, बिल्कुल सही हो सकता है यार, इसमें कुछ भी नहीं, मतलब सेंटर पे नहीं है, ऐसा कुछ ही नहीं है। तो ए और बी में कौन बड़ा है कौन छोटा है उससे वो मतलब, बस सेंटर पे नहीं है। ठीक है इतना ध्यान रखो। हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है, सही बोला आपने, जरूरी नहीं बी ए से बड़ा हो, ए भी बी से बड़ा हो सकता है, बस सेंटर पे नहीं है ये, इतना ध्यान रखो। ए नॉट इक्वल टू बी। अब देखो यहाँ पे नवा जो सपोर्ट क्या है, सॉरी नवा केस क्या है, जो फिक्स सपोर्ट है उसमें जो ये बी है ना, बी किसी वजह से डेल्टा से इल्ड कर गया, डेल्टा से इल्ड कर गया, कोई भी रीजन हो सकता है उसका, वो सपोर्ट का। मान लो जो फाउंडेशन आपने वीक दे दी, तो उस फाउंडेशन की वजह से दो कॉलम तेज है, दूसरा कॉलम नीचे इल्ड कर गया, इसे ये रीजन हो सकता है। तो अब इसका जो देखो रोटेशन कैसे हो रहा है, रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज, तो जो मोमेंट कैसे डेवलप होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डेवलप होगा, तो इसलिए माइनस सिक्स कितना डेवलप होता है, माइनस सिक्स या एल स्क्वायर इंटू में डेल्टा, इतना मोमेंट डेवलप हो रहा है। इसको यहां लिख देता हूं, और माइनस सिक्स ई आई अपॉन में एल स्क्वायर इंटू में डेल्टा, इतना मोमेंट क्या होगा, डेवलप होगा। अब किन्हीं का डाउट ये था कि प्लस और माइनस का क्या सीन है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। प्लस और माइनस को समझ लेते हैं एक बार, सीधी सी बात है आप खुद भी समझ सकते हो। अगर जो लोड लगा हुआ ना उसकी वजह से अगर जो बीम है अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज अगर बीम रोटेट कर रही हो, उसका रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है थीटा, तो उस पर फिक्स्ड एंड मोमेंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए वहां माइनस लिखा है। ठीक है ना, देख लेते हैं। केस थर्ड कौन सा है देख लेते हैं, सॉरी केस थर्ड ये रहा। देखो माइनस पी ए बी स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, और एम बार ए बी कितना हो जाएगा, प्लस पी बी ए स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। देखो अभी हम माइनस क्यों लिखा है प्लस क्यों लिखा है, इस केस थर्ड से ही समझ लेते हैं। ये जो है ना इस लोड की वजह से बीम कैसे डिफ्लेक्ट होगी, बीम माना कि कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है ना, इतना वो स्प्रेड नहीं रहा था, यहां पे थोड़ा सा ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है, मतलब ये बनाने में थोड़ा ऐसा बना है। अब देखो इसका जो यहां पे अगर मैं रोटेशन की बात करूं यहां पे, तो रोटेशन कैसा होगा अगर ये मान लो प्रिवेंट ना करे, तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा ना, तो इस क्लॉकवाइज रोटेशन को रोकने के लिए मोमेंट कैसा डेवलप होगा सपोर्ट पे, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस लिखा है। अब यहां देखिए एम बार बी ए, यहां का रोटेशन कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, अब इस रोटेशन को रोकने के लिए यहां पे मोमेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज, तो इसलिए मैंने ये लिया है। ठीक है समझ में आ गया होगा, वो ए इज नॉट इक्वल टू, नेक्स्ट चले, क्लियर, चलो नेक्स्ट। ओके वो ए इज नॉट इक्वल टू बी के लिए बोल रहा है, गलत समझ लिया था। ओके ठीक है आगे चलते हैं।
अब अपन क्वेश्चन करते हैं, अब अपन क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। इस एग्जाम्पल के साथ में मैं स्टेप लिखता चलूंगा, है ना। आज किसका एग्जाम्पल है? 26। अच्छा वो पोल्यूशन वाला। ओके, जिन जिन का एग्जाम उनको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यूजिंग MDM, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की वजह से। देखिए यहां पे अक्कल है उनको बेस्ट ऑफ लक पहले। ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने क्या है? ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यूजिंग। अब देखो अपन ने जितना पढ़ा है ना सब कुछ, वो अब इस क्वेश्चन से रिवाइज हो जाएगा पूरा। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन समझ गए तो सारे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, तो ट्राई करना इसको समझने की। ये फिक्स है, यहां पे ये रोलर सपोर्ट दिया हुआ है और ये UDL लगा हुआ है, ठीक है ना। और यहां पे कितना है? 24 किलो न्यूटन। ये लेंथ 4 मीटर है, ये लेंथ 4 मीटर है और ये लेंथ भी कितनी है? 4 मीटर है। यहां पे UDL की इंटेंसिटी क्या है? 12 किलो न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी है। ए बी एंड सी EI इक्वल टू कॉन्स्टेंट, EI इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉन्स्टेंट, है ना। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, इसकी स्टेप अपन इसको सोल्व करते हैं, इसकी स्टेप साथ साथ में लिख लेते हैं कि क्या क्या करना है अपने को। तो स्टेप वन, स्टेप वन में करते हैं, स्टेप वन में, स्टेप वन में लिख रहा हूं। स्टेप वन क्या है? फाइंड आउट फिक्स्ड एंड मोमेंट्स एंड कंसीडरिंग या फिर इसको लिख लो अज्यूमिंग, एंड अज्यूम ईच सपोर्ट एज द फिक्स्ड सपोर्ट फॉर कैलकुलेटिंग फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। स्टेप वन नोट करिए, साथ में स्टेप वन को करते हुए भी चलेंगे ताकि ज्यादा। हाँ, हर सपोर्ट को फिक्स मान, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल देना अपन। हर सपोर्ट को अपन क्या मान लेते हैं कि हर सपोर्ट क्या फिक्स है। हाँ बोल, क्लियर होगा सब? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। इस क्वेश्चन का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। स्टेप वन क्या होती है? अपनी फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं अपन। नोट कर लिया हो तो मैं आगे चलता हूं। जल्दी से नोट कर लीजिए।
आगे चलिए, चार मीटर, चार मीटर यूडीए लगा हुआ है। अब देखिए, ए बी सी फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। लोड कितना लगा हुआ है? 24 किलो न्यूटन का, ठीक है। यूडीएल की इंटेंसिटी 12 किलो न्यूटन पर मीटर। एम बार ए बी बताओ, एम बार ए बी कितना आ रहा है? एम बार ए बी क्या है? पॉइंट लोड लगा हुआ है, मिड पे है, तो माइनस पी एल बाई 8। तो एम बार ए बी की वैल्यू बताओ, -24। लेंथ कितनी है ए बी की? पूरी 8 है, अपॉन में 8। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना हो गया? -24 किलो न्यूटन इंटू में मीटर। एम बार ए भी निकाल लिया। एम बार बी ए क्या होता है? एम बार बी ए होता है प्लस पी एल अपॉन में 8 इक्वल टू। चार चार ही तो है यार लेंथ, तो -24 ही तो आएगा। एम बार बी ए कितना हो जाएगा? सेम वैल्यू वही प्लस में आ जाएगी, +24 किलो न्यूटन इंटू में मीटर। ऐसे एम बार ए बी निकाल लिया, ऐसे एम बार बी ए निकाल लिया। अब एम बार बी सी देखो, यहाँ पे एम बार बी सी यूडीएल लगा हुआ है, तो यूडीएल के केस में कितना होता है? -WL² / 12। तो एम बार बी सी की वैल्यू कितनी हो गई? डब्ल्यू कितना हुआ है? 12 लगा हुआ है आपका, -12 * लेंथ का स्क्वायर। ये लेंथ कितनी की बनती क्वेश्चन में? ये भी 4 मीटर ही थी, तो ये हो जाएगा कितना? 4 मीटर का स्क्वायर / 12। तो एम बार बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 से 12 कट गया है, 16। तो -16 किलो न्यूटन * मीटर। एम बार सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? +16 किलो न्यूटन * मीटर। ठीक है, ये फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालिए। स्टेप वन कंप्लीट। स्टेप वन में अपन फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल लेते हैं। निकाल लिया अपन ने फिक्स्ड एंड मोमेंट स्टेप वन में। अब जो प्री के अंदर जो क्वेश्चन पूछ लेंगे ना, वो आपसे केवल फिक्स्ड एंड मोमेंट निकलवा लेंगे। मेंस के अंदर पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सोल्व करना है, ठीक है। पहली स्टेप अपनी कंप्लीट है। सेकेंड स्टेप है, वो मैं लिख देता हूँ। सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप सेकेंड क्या है? फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट ईच जॉइंट। फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट ईच जॉइंट वेयर मोर देन 1 मेंबर आर मीटिंग। अब जो जो अपन ने पढ़ा ना, उनका यूज है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अपन ने अभी देखा था पीछे, फिक्स्ड एंड मोमेंट अपन ने देख ही लिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का यूज देखेंगे कहाँ है। स्टेप टू में अपन क्या करते हैं? फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट ईच जॉइंट वेयर मोर देन 1 मेंबर्स आर मीटिंग। नोट करिए इसको, टर्न हो गया सबका। देखिए सबका डन है। नेक्स्ट चलो, देख लेते आगे। बी पर 24 - 1 6 हो जाएगा क्या? 8 आएगा तब। नेक्स्ट चलते हैं।
ठीक है। अब देखिए सेकंड में क्या था अपना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। तो देखो कौन कौन से जॉइंट पे, ऐसे जॉइंट पे जहाँ पे एक से ज्यादा मेंबर मिल रहे हो, तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट है जहाँ पे एक से ज्यादा मेंबर मिल रहे हैं, केवल बी जॉइंट है। तो मैं बात करता हूँ जॉइंट बी की, जॉइंट बी ऐसे टेबल बनानी है एग्जाम में आपको, एक एक कॉलम में लिखना है जॉइंट, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे मेंबर्स कितने आ रहे हैं अपने पास, बी जॉइंट पे कितने मेंबर्स मिल रहे हैं, बी ए और बी सी दो मेंबर है, बी ए और बी सी। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है आपको पता ही है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के अपॉन में समीशन ऑफ के होता है, ये होता है। तो उसके लिए पहले के निकालना पड़ेगा, फिर समीशन के निकालना पड़ेगा। तो स्टिफनेस, स्टिफनेस देखो बी ए की स्टिफनेस, बी ए ए क्या है फिक्स है, तो फिक्स की कितनी होती है, फोर ई आई अपॉन में एल, फोर ई आई एल लेंथ कितनी है यहाँ पे, आठ है, आठ लेंथ है ना, तो ई आई अपॉन में टू, ये स्टिफनेस आ गई इसकी अभी की। बी सी की स्टिफनेस देखो, बी सी ये भी फिक्स है, तो फोर ई आई अपॉन में एल, फिक्स का फोर ई आई अपॉन में एल होता है, अगर हिंज होता तो कितना हो जाता, थ्री आई अपॉन में एल अपॉन में फोर ई आई अपॉन में एल, एल कितना है चार, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, यही वैल्यू आ गई। उसके बाद में अपन क्या लिखते हैं, टोटल समीशन के चाहिए अपने को, के निकाल चुके हैं, अब चाहिए टोटल स्टिफनेस, टोटल स्टिफनेस चाहिए। टोटल स्टिफनेस के अंदर देखो क्या हो जाएगा, ए आई अपॉन में टू प्लस ए आई को ऐड कर देंगे अपन, जो टोटल स्टिफनेस कितने आ गया, थ्री बाई टू अपॉन में ए आई। हाँ कांट भी ग्रेटर देना मन, बिल्कुल नहीं हो सकता, पहले कॉलम। अच्छा आपको लिखने में दिक्कत आती होगी ना कि कितने कॉलम बनाने हैं, हाँ बिल्कुल पहले कॉलम बना दूंगा मैं ना, हाँ वो जगह नहीं बचती फिर कॉपी के अंदर। ओके टोटल स्टिफनेस हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अपन निकालना चाह रहे, तो क्या होगा, के अपॉन में समीशन ऑफ के। अब देख लो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हर मेंबर का, हर मेंबर का, जैसे बी ए मेंबर है तो बी ए मेंबर का खुद का अपॉन में टोटल, तो ई आई अपॉन में टू अपॉन में क्या करूंगा मैं, थ्री थ्री बाई टू ई आई, तो ई आई अपॉन में टू, ई आई अपॉन में टू और थ्री बाई टू ई आई, टोटल स्टिफनेस से डिवाइड कर दिया तो देखो कितना आ गया, ई आई अपॉन में थ्री आ गया, यही से तो यही कैंसिल आउट हो गया ना, तो जो टोटल स्टिफनेस है ना यहाँ पे, इस कॉलम को मैं अगली स्लाइड में बना दूंगा यार, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को यहाँ तक नोट करिए, वन बाई थ्री और टू बाई थ्री हो जाएगा ना, वन बाई थ्री और यहाँ पे आ जाएगा टू बाई थ्री। कैसे आया कि को टोटल स्टिफनेस से डिवाइड करा है, इसको बना ही लिया होगा तो मैं यहां बना देता हूं ना इसको, ठीक है। जो टोटल स्टिफनेस है टी एस, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ना यार, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन में समीशन ऑफ के। तो देखो बी ए मेंबर की कितनी थी, ई आई अपॉन में टू स्टिफनेस, और टोटल कितनी आ रही थी, थ्री बाई टू ई आई, तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई थ्री। बी सी मेंबर की अगर अपन देखें तो बी सी मेंबर की कितनी आ रही थी स्टिफनेस खुद की, ई आई, और टोटल स्टिफनेस कितनी आएगी अपनी, थ्री बाई टू ई आई आ रही है, तो इसकी कितनी होगी, टू बाई थर्ड। देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वन बाई थ्री, टू बाई थ्री वन हो रहा ना, तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू कितनी रहती है, वन ही रहती है। इसको नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं, फिर ये सेकंड स्टेप है, साथ में अपन क्वेश्चन भी चल करते चल रहे हैं स्टेप के साथ में, ताकि टाइम खराब ना हो स्टेप लिखने में, पहले स्टेप लिख ली फिर उसका क्वेश्चन सोल्व कर लिया अपन ने। डन 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 डन। उसके बाद में देखो स्टेप थर्ड लिखी है,
ठीक है, स्टेप थर्ड लिख देता हूँ मैं, डन हो गया सबका। हाँ अब ये कंप्लीट हो गई पेज, ठीक है, जरूरत वैसे अपने को किसी की पड़ेगी नहीं यहाँ पे वापिस से। तो नोट कर लिया, किसी को कोई भी स्लाइड समझने में दिक्कत है क्या बताओ? यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे अपन, यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, कोई भी स्लाइड समझने में दिक्कत है क्या किसी को? क्लियर है सबका? आगे चलो। तेरा स्लाइड डिलीट कर दो, एक स्लाइड बढ़ जाएगी। नहीं जरूरत ही नहीं है ना अपने को, कोई स्लाइड चाहिए नहीं, आप तो बता दो किसी में कोई दिक्कत है क्या। ठीक है देखिए, अच्छा इसलिए कह रहे हो आपकी 13वीं स्लाइड खाली रह गई है ना, चलिए आगे। स्टेप थर्ड को आप लिख लीजिए, स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड देखिए क्या ये, इसके बाद में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट द मोमेंट, डिस्ट्रीब्यूट द मोमेंट इन द मेंबर, डिस्ट्रीब्यूट द मोमेंट इन द मेंबर अकॉर्डिंग टू देयर, अकॉर्डिंग टू देयर स्टिफनेस एंड फर्दर कैरी ओवर मोमेंट, फर्दर कैरी ओवर मोमेंट अकॉर्डिंग टू एंड सपोर्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू एंड सपोर्ट कंडीशन। अब यहां मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इफ एट एनी जॉइंट, विच इज नॉट फिक्स्ड, then we try to, there is not fixed then, not fixed then, sir end hai yahan pe, then liye not fixed end, some moments are present then we try to zero moment at that support, at that support, नोट कर लीजिए इसको। वैभव क्या पूछ रहे हैं सर, फिक्स सपोर्ट के अज्यूम करेंगे, फिक्स तो है ही, कहाँ लिखा है मैंने अज्यूम करना, जो फिक्स नहीं है। अच्छा फिक्स एंड मोमेंट की बात कर रहे हो ना आप, फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, जो फिक्स नहीं है उतना फिक्स एंड मोमेंट में उसको अपन फर्स्ट स्टेप में, हाँ फर्स्ट स्टेप में देखो वैभव, जो फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, जो फिक्स है उसको तो फिक्स मान ही रखा है अपन ने, जो फिक्स नहीं है उसको भी फिक्स मान के अपने फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको नोट करिए, डिस्ट्रीब्यूट द मोमेंट इन द मेंबर्स,
यहाँ पे ब्रेकेट को क्लोज मत करना, इसके आगे और लिख देंगे अपन इसमें। सपोर्ट तक लिखो, ब्रेकेट को क्लोज मत करना। हाँ, बेको पिक्स मार लिया है। इसके पहले आपने लिखवाया सिंपल सपोर्टेड मैनेज। अरे हाँ देखो, सिंपल सपोर्टेड मैंने डेरिवेशन के लिए माना था ना, वो डेरिवेशन कर रहे थे ना अपन उसका, तो उसके केस में अपन सिंपली सपोर्टेड मान के करते हैं। इसको एक बार नोट करिए फिर बताते हैं। नोट कर लीजिए सब। हाँ, इसे मैं लिख देता हूँ आगे। देखो, सपोर्ट के आगे इट मीन्स, ये सपोर्ट के आगे लिखना है। इट मीन्स बैलेंस द मोमेंट, इट मीन्स बैलेंस द मोमेंट एट द जॉइंट्स, एट दी जॉइंट्स। यहां तक लिखिए, यहां तक लिखिए। ऊपर लिखो सपोर्ट के बाद में जो मैंने ऊपर लिखा है, इट मीन्स बैलेंस द मोमेंट एट दी जॉइंट्स। अब स्टेप थर्ड जो है, उस स्टेप थर्ड को समझते हैं। अरे हाँ, समझ लेंगे उसको, कौन सा सिंपल है यार, कौन सा। जो फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेटने के लिए सिंपल सपोर्ट इसलिए लिया था और उनको सुपर इम्पोज कर दिया था, है ना, समझ रहे हो। और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, अपन तो डेरिवेशन कर चुके हैं, तो एक्चुअल में तो फिक्स है ना, वो तो एक्चुअल में तो फिक्स है, तो इसलिए फिक्स ही मानेंगे। और डेरिवेशन में सिंपली सपोर्टेड इसलिए ले लिया था उनको, क्योंकि जो सिंपली सपोर्टेड है उसकी सॉरी फिक्स की वजह से जो मोमेंट आ रहा है उसको पहले से अपन अहम लिख रहे हैं उस मोमेंट को, इस वजह से। वैभव क्लियर है क्या? इसको नोट कर लीजिए। हाँ, मतलब दोनों का सेम ही हुआ और क्या, मतलब तो दोनों का सेम ही हो गया ना। नोट कर लिया हो तो आगे स्टेप थर्ड लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो, अपना जो क्वेश्चन क्या था, ये यूडीएल लगा हुआ था, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, और ये भी कितना था, 4 मीटर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था, ए बी और सी। अब देखो, इसके नीचे कुछ ऐसे लाइन बना लो, ऐसे 3 लाइन बना लो, मतलब 2 कॉलम बना लो एक तरह से। कॉलम टोटल 4 4 बनेंगे, 1 2 3, और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 3 कॉलम बना लो, तीन कॉलम बना लीजिए कॉपी के अंदर, 3 कॉलम बना लीजिए ऐसे, है ना। अब जो ये कॉलम बना है, इस कॉलम के ऊपर आप ये जो अपना क्वेश्चन था ना, ये इस क्वेश्चन को ऐसा का ऐसा रख दीजिए यहां पे, ऐसा। ये जॉइंट बी है,
लॉर्ड को रहने दो, बस इसको बना लो सिंपल ऐसा, ठीक है। बना लिया आपने, आप देखिए यहां पे बी जॉइंट बी पे दो मेंबर मिल रहे हैं, बी ए और बी सी। बी ए की स्टिफनेस कितनी थी, 1/3 थी ना, 1/3 1/3 थी, और बी सी की स्टिफनेस कितनी थी, 2/3 थी। टोटल इस जॉइंट की स्टिफनेस कितनी है, 1। मैंने बताया था कि टोटल स्टिफनेस जो टोटल स्टिफनेस जो है जॉइंट की, अरे वहाँ है ना सर, कहाँ है, देखिए यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, इस टेबल के अंदर ये कौन सी स्टेप चल रही है अपनी, स्टेप 3, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, बस यहीं पे एक गलती होती है। यहां पे अब देखो क्या लिखना है इस साइड में, लेफ्ट साइड में पहले एफ ई एम फिक्स्ड एंड मोमेंट, ए बी का फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना है था, ए बी का फिक्स्ड एंड मोमेंट ये लोड कितना था, 24 किलो न्यूटन, तो ए बी का -24 था, लिख दिया मैंने ए बी का लिख लिया। बी ए का फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना था, +24 था, है ना। बी सी का फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना था, बी सी का फिक्स्ड एंड मोमेंट था -16, और सी बी का फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना था, +16। ये पहली स्टेप में अपने क्या करा, फिक्स्ड एंड मोमेंट लिख लिया इसके अंदर। स्टेप 3 चल रही है, स्टेप 3 में सबसे पहले क्या करा अपन ने, ये कर लिया। अब देखो यहां पे इस मेथड को का नाम दिया था इटरेटिव अप्रोच या सक्सेसिव अप्रोच लेते हैं इसमें, क्यों लेते हैं सक्सेसिव अप्रोच। अब एक चीज समझे यहां पे, जॉइंट बी क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करना आप। अब एक बार कमेंट रोक दो, ठीक है, हाँ रोलर है, कमेंट एक बार प्लीज रोक दीजिए, बड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को जो समझाने चाह रहा हूं अब मैं, ठीक है, कमेंट रोक दीजिए और इधर देखिए। देखो ए पे मोमेंट कितना आ रहा है, -24, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा यार क्योंकि सपोर्ट है, पिक सपोर्ट है तो आएगा, उसकी कैपेसिटी है लेने की। सी जो मोमेंट है उस पर, सी जो सपोर्ट है उस पर मोमेंट कितना आ रहा है, +16, कोई प्रॉब्लम नहीं, आएगा, पिक सपोर्ट है, लेगा। जॉइंट बी क्या है, रोलर है, रोलर पे देखो मोमेंट कितना आ रहा है, 24 माइनस 16 +8 किलो न्यूटन का मोमेंट आ गया, इसका मतलब यहां एरर है कुछ ना कुछ, इसको अब ठीक करते हुए चलेंगे अपन। यहां पे तो 0 होना चाहिए बी पे तो मोमेंट, भाई बी तो रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट की कोई कैपेसिटी नहीं होती मोमेंट को रोकने की, है ना, हाँ। इसीलिए अपन क्या करते हैं इसमें, इस मेथड में अपन पूरा निकाल लेते हैं। अब जो अपन ने अज्यूम करा था, फिक्स सपोर्ट माना था, सारी चीजें मानी थी, अब ये तो एक्चुअल में तो रोलर है, अब इस रोलर को सर वन डाउट है, यूडीएल में रोलर सपोर्ट क्यों लूंगा, क्यों नहीं लग सकता रोलर सपोर्ट, क्यों नहीं लग सकता रोलर सपोर्ट यूडीएल में, बी पॉइंट क्यों नहीं लग सकता, लग सकता है बी पर 8 आना नहीं चाहिए, बी पर तो 0 होना चाहिए। एक बार समझो, कमेंट रोको पहले, मेरी बात तो सुनो एक बार, एक बार कमेंट रोक दीजिए, ठीक है, कमेंट रोक दीजिए एक बार, एक बार ध्यान से समझिए, अगर आप अच्छे से समझोगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। बी कौन सा सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, अब रोलर सपोर्ट पे मोमेंट नहीं आना चाहिए, लेकिन मोमेंट कितना आ गया, +8 आ गया, इसका मतलब सबसे पहले इस मोमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा, है ना, तो +8 है तो मैं -8 लगाऊंगा यहां पे, अब है ना, +8 तो आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, बी पे -8 लगाऊंगा, -8 कर दूं मैं बी पे। अब -8 को मैं इस 1/3 और 2/3 में डिवाइड कर दूंगा, -8 इंटू 1/3
और -8 इंटू में 2/3 कर दूंगा मैं, ठीक है? अभी कुछ कमेंट मत करिए, अभी समझिए। +8 आ रहा था जो कि नहीं आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो उस 0 के लिए मैंने क्या करा, फिर +8 की जगह फिर -8 कर दिया। और -8 को मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा है, उनकी स्टिफनेस के अकॉर्डिंग। बीए की स्टिफनेस कितनी है, 1/3 है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बीसी की स्टिफनेस कितनी है, 2/3 है, तो मैंने 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कमेंट मत करो यार, 5.33 भी मत बताओ, रुको। अब देखो आगे, यहां पे ये मोमेंट आ रहा है। अब जो फिक्स सपोर्ट है, मैंने कल बताया था कि अगर मोमेंट आप इधर एम लगा रहे हो, एम मोमेंट लगा रहे हो, तो फिक्स सपोर्ट में कितना कैरी ओवर आता है, m/2, आधा कैरी ओवर आता है मोमेंट, है ना? तो ये वाली जो है, ये है बैलेंसिंग मोमेंट। यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग मोमेंट, ये बैलेंसिंग मोमेंट कर दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, कैरी ओवर मोमेंट, कैरी ओवर मोमेंट। अब जो ये -8/3 है, ये 8/3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पॉइंट माइनस में, यहां लिख देता हूं बराबर, है ना, किनारा 2.66, ओके, -2.66। अब ये -2.66 क्या होगा, इधर कैरी ओवर फेक, इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको इसमें। अब इधर देखो, मुझे ये फिक्स सपोर्ट है, अब फिक्स सपोर्ट पे कैरी ओवर कितना जाता है, आधा जाता है ना, तो -2.66 का -1.33। यहां देखिए, यहां भी वैल्यू कितनी है, ये -2.66, इसका कैरी ओवर कितना जाएगा, इधर आधा जाएगा, फिक्स सपोर्ट है तो, हिंज होता तो कैरी ओवर कितना लेते, 0, क्योंकि हिंज पे जाता ही नहीं, हिंज पे कोई मोमेंट कैरी होता ही नहीं, देखा था बने, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1.33। अब उसके बाद में टोटल करते हैं, यहां पे करते हैं टोटल, तीनों ले लिया, फिक्स्ड एंड मोमेंट, बैलेंसिंग मोमेंट और कैरी ओवर मोमेंट। अब इनको टोटल करिए, -24 में -1.23 जोड़िए तो कितना आ रहा है, -25.33 आ रहा है। इस चॉइस के अंदर -2.66 जोड़िए, इसकी वैल्यू -2.66 है, तो कितनी वैल्यू आ रही है बताइए, यहां पे 16 में से -1.33 घटाइए, यहां की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, 0 जब तक 0 नहीं आ जाएगा ना, मतलब दोनों प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू सेम, तब तक अपन करते रहेंगे। सी पर जीत किया, हाँ वो बताएंगे भी, है ना, एक बार बताएंगे। इनका टोटल करो, 24 में 2.66 को घटाओ कितना आ रहा है, हाँ अभी अभी सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बार मुझे ये बताओ, 24 में से 2.66 घटाओ यार कितना आ रहा है, 24 में से 2 घटाए तो 22, 21.34। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, +21.34 वैल्यू आ रही है। अब ये -16 में से, -16 में ये वैल्यू जोड़ो, -2.66, हाँ ये वैल्यू जोड़ो, सॉरी, अरे ओके ओके, एक बार रुको, एक बार के लिए रुको, इधर देखो, एक बार इधर देखिए प्लीज, एक बार इधर देखिए, 8 को यहां 2/3 से मल्टीप्लाई करा है तो 2.66 थोड़े आएगा, यहां पे 8 को यहां पे किससे मल्टीप्लाई करा है अपन ने, यहां तो 1/3 से मल्टीप्लाई करता, इसलिए -2.66 आ रहा था। ये बताओ कितना रहा, 16/3, अच्छा ये बता रहे थे आप 5/कुछ, ओके ओके, -5.33। इसको इसका कैरी ओवर कितना जाएगा, आधा, इसका आधा बताओ कितना रहा है, -5.33 का आधा बताओ, -5.33 का 2.83, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2.83 वैल्यू हो जाएगी। अब बताओ इनको जोड़ो, -16 में -5.33 जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, -21.33, है ना,
ये वैल्यू देखो, ये कितनी आ रही है, 16 में से 2.2.83 को घटाओ कितना आ रहा है, 13.17। ये प्लस के 13.17। अब ये वैल्यू देखो, 24 में से अगर आपने 2.66 घटाया तो एग्जैक्ट बताओ कितना आ रहा है, ये 21.34 आ रहा है। तो हाँ, ये -16 और -5.33 अपन ने करा तो ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू देखो लगभग कितनी हो गई, लगभग 0 हो गई ना, सेम ही आ गई दोनों वैल्यू। तो वैल्यू कितनी हो गई, 0.01 का डिफरेंस आ रहा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, है ना। लगभग कितना रहा है, 0। हाँ, कैलकुलेशन देख लेते हैं। फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखा -24, एक्स का फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखा बीए का +24, बीसी का -16, सीबी का कितना है +16, ये लिख दिया। फिर बैलेंसिंग मोमेंट, बैलेंसिंग 24 -16 -8 लगाएंगे, 1/3 -8 इंटू में 2/3 ये हो जाएगा। हाँ, ये वैल्यू -8/3 की जो वैल्यू है ना, ये 2.66 आ रही है क्या एग्जैक्ट। एक काम करो, आप आगे के 4 डिजिट तक बताओ, डेसिमल के 4 डिजिट तक बता दो, ताकि ये बराबर एग्जैक्टली 0 आ जाएगा ये, है ना। डेसिमल के 4 4 डिजिट तक बता दो। अपने को क्या होता है ऐसे जॉइंट पे, क्या था, 8/3, तो 2.666। ये है 2.66, और इसको अगर कैरी ओवर करेंगे तो आधा जाएगा, तो ये -1.33, 25.33। यहां पे देखिए, 16/3 करोगे आप, 16/3 करोगे, तो 5.333 यहां तक ले लो। इसको कैरी ओवर करोगे आप तो इसका आधा बताओ कितना आ रहा है एग्जैक्ट, -5.33 का आधा आ रहा है -2.6667, है ना। हाँ, -2.667। ये गलत बताया था आप लोगों ने, है ना। हाँ, तो -2.6667 ये वैल्यू। अब इसको बताओ मुझे जोड़ के कितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू बताइए। 4 डिजिट तक ले लो, वैसे तो दो दो डिजिट तक काम हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट 0 लाने के लिए आप करो 4 डिजिट तक वैल्यू ले लो। अब बताओ मुझे 24 -2.66 बताओ एग्जैक्ट कितना आ रहा है, ये बताओ एग्जैक्ट बताओ, 4 डिजिट तक बताना आपको। 21.333 +21.333, ठीक है। ये बताओ -16 -5.33, तो ये कितना हो गया, -21.333, ठीक है। यहां देखो +16 में ये ऐड करा तो -18, सॉरी कितनी वैल्यू आ रही है इसको बताओ, 16 में से -2.6667 करा दो, ये वैल्यू -25.3333 आ गई। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 13.333, है ना। हाँ, ये 13.333 और 3, ठीक है। अब देखो बी जॉइंट पे मोमेंट नहीं आना चाहिए था, क्योंकि रोलर सपोर्ट है। अब देखो यहाँ पे +21.33 और -, ये दोनों देखो जोड़ो, 0 हो गए यहाँ पे, बस यही करना है अपने को। इसलिए इस मेथड का जो नाम है ना, वो इटरेटिव अप्रोच दिया है इसका नाम, क्योंकि इसको अपन करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं। ये तो मैंने स्टार्टिंग में छोटा क्वेश्चन लिया है, एक स्टेप के अंदर ही हो गए, बस एक ही बार करना है इसमें। कभी कभार 8 8 10 10 बार भी करना पड़ जाता है कन्वेंशनल क्वेश्चन में, है ना। एसएससी जेई वगैरह में 4 से 5 स्टेप में हो जाएगा, और इससे आगे जाना भी नहीं है। अप्रोक्सीमेट लिख दो वैल्यू, क्योंकि फिर पॉइंटों में चलती रहती है, कितना करते जाओगे, है ना। अब मैं इसको एक बार और समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, एक बार और समझा रहा हूँ इसको। देखिए अपने को क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। एक बार लिखना वगैरह छोड़िए, कमेंट भी छोड़िए, एक बार और समझिए इसको अच्छे से, एक बार और समझिए। बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म है एक तरह से, इसके बाद में तो कुछ नहीं। अब तो बस
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, मोमेंट आ गए अपने पास में सारी है। अब देखिए आप, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है ए बी और सी, तो अपन ने क्या करा, ऐसे ही करना है एग्जाम में भी, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन के उसके ऊपर रख दो, टेबल के ऊपर रख दिया आपने क्वेश्चन को, टेबल के ऊपर ए बी जॉइंट ये है, सी जॉइंट ये है। अब जॉइंट बी की जो स्टिफनेस है उसको लिख दिया अपन ने, जॉइंट बी में बी ए मेंबर की कितनी थी, 1/3 थी लिख दिया, बी सी मेंबर की कितनी है, 2/3 था लिख दिया अपन ने। सबसे पहले फिर क्या करते हैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट लिख लेते हैं सबके, तो ए बी का फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखा अपन ने, कितना आ रहा है -24। ये वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं पहले स्टेप वन में। बी ए का फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखा कितना आ रहा है +24, बी सी का फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखा कितना आ रहा है -16, सी बी का फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखा कितना आ रहा है +16। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिक्स्ड एंड मोमेंट आ रहा है -24 क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगा कोई दिक्कत ही नहीं है आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे +16 आ रहा है, यहाँ भी आएगा फिक्स सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे क्यों आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए, यहाँ इधर +24 और -16, तो +24 और -16 करा अपन ने तो कितना आ रहा है, +8 आ रहा है, मतलब इसको अब करेक्ट करेंगे। तो +8 को करेक्ट करने के लिए यहाँ पे 0 होना चाहिए ना बी पे, तो क्योंकि बी तो रोलर सपोर्ट है, तो +8 आ रहा है, तो मैं क्या कर दिया, मैंने -8 लगा दिया अपोजिट और उतना ही, और उनको जो स्टिफनेस है ना मेंबर्स की उनके अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, -8 लगा दिया, और तो बी ए मेंबर की स्टिफनेस कितनी है, 1/3 है, तो इसलिए 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बी सी मेंबर की स्टिफनेस कितनी है, 2/3 है, इसलिए -8 × 2/3 कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन के को उनके स्टिफनेस के अकॉर्डिंग अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, जो ये अपन ये करते हैं मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग मोमेंट, ये अपन क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग बैलेंस कर रहे हैं मोमेंट को। फिर इसके बाद में ये जो मोमेंट जो भी आ रहा है इसको अपन कैरी ओवर कर देंगे आगे, ये जो मोमेंट आ रहा है, अब ये फिक्स सपोर्ट था तो आपको पता है फिक्स सपोर्ट पे कितना कैरी होता है, आधा कैरी होता है, कल अपन ने देखा था, तो -2.66 है, ये आधा कैरी ओवर हो गया, कितना हो जाएगा -1.3333 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये कितना है, ये -8 × 2/3, ये कितना आ रहा है -5.33 आ रहा है, ये कितना कैरी ओवर हो जाएगा, ये -2.666 आधा कैरी ओवर हो जाएगा। अब इनको अपन ने ऐड कर दिया सबको चॉइस में, इधर देखो यहाँ से अब ऐड करके देखा अपन ने, -24 में -1.33 ऐड करा तो कितना गया, -25.333 आ गया। यहाँ पे देखो +24 में -2.666 ऐड करा तो कितना गया, ये घटाया तो कितना आ गया, 21.333 आ गया। यहाँ पे देखो -16 में अपन ने क्या करा, -5.333 ऐड करा तो कितना गया, -21.33 आ गया। यहाँ पे +16 और -2.667 है तो 13.33 आ गया। अब अपन जॉइंट बी पे देखो, जॉइंट बी पे दोनों का देखो टोटल 0 हो गया, और यही अपने को करना था, जॉइंट बी पे मोमेंट नहीं आना चाहिए था। अब देखो इधर प्लस और इधर माइनस, मतलब 0, जॉइंट बी पे नेट मोमेंट 0 हो गया, और यही अपन चाह रहे थे कि बी पे तो जॉइंट मोमेंट नहीं आना चाहिए क्योंकि रोलर सपोर्ट है। अब पिक्स पे कितना आ गया, -25.33, और इधर वाले पिक्स पे आ गया 13.33, मोमेंट अपने को मिल गए। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका अपना स्टेप 3 कंप्लीट अपनी, आगे चलिए। हाँ नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट स्टेप 4। आगे चलो, मैं नोट कर लिया हो तो, हाँ ये -8 दोनों तरफ करने हैं, क्योंकि ये जो -8 दोनों तरफ है ना, टोटल -8 ये देखो -5.33 33 और -2.66, ये टोटल तो -8 ही है, ये दोनों मिला के -8, अपने -16 नहीं करा है, -8 ही करा है, ये टोटल -8 ही है, ऐड करके देख लो।
हाँ कंटिन्यू कर दे, इसको सबने बना लिया, कोई बात नहीं, अब आगे चलिए नेक्स्ट। अब जो ये मैंने करा ना, ये 24 माइनस 16 प्लस 8, इसको डिस्ट्रीब्यूट करा है, इसको लैंग्वेज में लिख देता हूँ ताकि जब आप बाद में पढ़ो तो कंफ्यूज ना हो, है ना। देखिए आगे, इसको मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ। ठीक टोटल मोमेंट एट बी इज 24 माइनस 16 इक्वल टू प्लस 8 किलो न्यूटन इंटू मीटर, हैंस जॉइंट बी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज जॉइंट बी इज रोलर एट द रोलर सपोर्ट एट द रोलर सपोर्ट मोमेंट शुड बी जीरो सो वी अप्लाई सो वी अप्लाई 8 किलो न्यूटन इंटू में मीटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ऐसे भी लिख दो -8 किलो न्यूटन इंटू में मीटर, एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस -8 किलो न्यूटन इंटू में मीटर अकॉर्डिंग टू देयर स्टिफनेस अकॉर्डिंग टू देयर स्टिफनेस ऑफ मेंबर्स। इसको लिख लो, इसको लिख लिया अपने लैंग्वेज फॉर्म में, है ना, ताकि जब आप पढ़ो तो आपको रिवाइज करो तो ध्यान में रहे। नोट कर लीजिए इसको। हाँ इसका मतलब हिंदी में बता देते हैं, देखो टोटल मोमेंट है ना बी पे, वो कितना आ रहा था +24 माइनस 16। नहीं, एग्जाम में थोड़ी लिखना है ये सब, ये तो भाई चलो आप बाद में कभी कॉपी नोट्स वगैरह पढ़ो तो आपकी चीजें क्लियर रहे ना कि क्यों जीरो कर रहे थे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस वजह से लिखा है, आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना। तो टोटल मोमेंट है बी पे कितना आ रहा है 24 माइनस 16 प्लस 8, जबकि बी जॉइंट क्या है रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट पे तो मोमेंट नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से मोमेंट को अपन ने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन ने अकॉर्डिंग टू द स्टिफनेस ऑफ द मेंबर, मेंबर की स्टिफनेस के अकॉर्डिंग। सर एक तरफ प्लस क्यों नहीं लिया 8? अच्छा एक तरफ, सुदीप माहेश्वरी क्या बोल रहे हैं सर, एक तरफ प्लस क्यों नहीं लिया 8? +8 क्यों लेंगे, क्योंकि बाहर से +8 तो लग रहा है, आना जीरो चाहिए था इसलिए अपन ने -8 लिया है, पॉजिटिव 8, हाँ पॉजिटिव 8 तो लग रहा है,
है ना, तो अपने को तो जीरो करना है, इसलिए अपन नेगेटिव लेंगे। नोट कर लिया ना? हाँ, अब देखिए यहां से कंफ्यूज मत होना कि यार ये माइनस आठ और माइनस दो बार क्यों ले लिया। अरे दो बार नहीं लिया ये, इनको माइनस आठ को वन थर्ड से मल्टीप्लाई करो और इधर टू थर्ड से मल्टीप्लाई करो। देखो ये माइनस 5.33 और माइनस 2.66, ये माइनस आठ ही है टोटल, है ना। इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वन थर्ड में और टू थर्ड में, ठीक है। हाँ ओके, ये हो गया। अब इसके बाद में स्टेप फोर है अपनी, स्टेप फोर स्टेप फोर के अंदर अपन क्या करेंगे? हाँ, स्टेप फोर में अपन क्या करते हैं, फाइंड फाइनल एंड मोमेंट्स एट द एंड ऑफ टेबल, जो अपन फाइंड आउट कर चुके हैं, है ना। ठीक है, स्टेप फोर में क्या करेंगे, फाइंड फाइनल एंड मोमेंट्स एट द एंड ऑफ टेबल। टेबल के एंड में अपन क्या करेंगे, फाइनल एंड मोमेंट लिखेंगे। वो लिख चुका है अपन, जैसे ये टेबल थी अपनी, ये ए, ये बी और ये सी, ये देखिए फाइनल एंड मोमेंट कैलकुलेशन करके अपने यहां नीचे लिखा था ना, यहां पे देखो जोड़ जाड़ के सब कुछ, वो क्या था, वो फाइनल एंड मोमेंट्स थे। वो फाइनल एंड मोमेंट्स कितनी वैल्यू थी, ये थी प्लस 25.3333, ये वैल्यू थी प्लस 21.3333, ये थी माइनस 21.333, और ये वैल्यू कितनी आई थी सी, ये वैल्यू थी अपनी 13.33 प्लस 13.33, आगे वाले दो डिजिट लिख लेना आप क्या थे, मुझे ध्यान नहीं। तो ये फाइनल एंड मोमेंट लिख लिया अपन ने स्टेप फोर में। ठीक है, पर्सनल कमेंट प्लीज बंद करिए, पर्सनल कमेंट प्लीज बंद करिए, समझने पे ध्यान दीजिए। स्टेप फोर हो गया, ये स्टेप फोर हो गया, पर्सनल कमेंट बंद करिए प्लीज, स्टेप फोर नोट करिए, स्टेप फोर नोट कर लीजिए, जल्दी से स्टेप फोर नोट कर लीजिए। स्टेप फोर को जल्दी से नोट करिए सब। ठीक है, अभी तक नोट नहीं करा, वो नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो कन्वेंशनल में कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है जो अपन कर रहे हैं, बाकी जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ए पर माइनस था क्या? हाँ ए पर माइनस था भाई, ए पे माइनस था, लिख दिया मैंने माइनस, है ना। ठीक है, क्लास का मैंने आपको बता दिया है कि ये जो सब्जेक्ट है टोस एसएससी जेईई के लिए पढ़ते हैं अपन, तो 45 से 50 घंटे के बीच में टाइम लेती है। ठीक है, तो इतना ही टाइम मैं भी लूँगा और लेता भी हूँ, क्योंकि चीज़ों को सारे अच्छे से समझना है तो टाइम लगेगा, और वही अगर जल्दी जल्दी करना है, आधी चीज़ें समझ आ रही नहीं आ रही, तो वो जल्दी भी ख़त्म हो जाता है, वो करना भी नहीं है, मतलब भी नहीं है उसका। ठीक है, स्टेप फाइव लिखिए अब,
स्टे फाइव में अपन क्या करेंगे, ड्रॉ ड्रॉ एंड मोमेंट डायग्राम, ड्रॉ एंड मोमेंट डायग्राम एंड सुपर इम्पोज्ड दिस एंड मोमेंट डायग्राम, सुपर इम्पोज दिस एंड मोमेंट डायग्राम विथ द सिंपली सपोर्टेड डायग्राम. रिजल्टेंट इज, जो भी रिजल्टेंट आपको मिलेगा, रिजल्टेंट इज फाइनल बीओडी, रिजल्टेंट सॉरी बीएमडी, रिजल्टेंट इज फाइनल बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. हाँ, मैं अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूँ, सुनता सबकी हूँ और करता मैं वही हूँ जिससे आपका नुकसान ना हो. नोट कर लीजिए इसको. अरे पर्सनल कमेंट बंद कर दीजिए यार, क्यों पर्सनल कमेंट करते हो? अपने पर्सनल कमेंट के लिए अपना ग्रुप ग्रुप घर बना बना रखा करो, व्हाट्सएप ग्रुप उस पर करा करो अपने. यहाँ पे जो डाउट है वो बताओ. मैं बता चुका हूँ कितनी बार की क्लास 45 से एसएससी जेईन के लिए 45 से 50 घंटे के बीच में टाइम लगता है, तो उतना ही टाइम लगेगा. हो सकता है 2-4 घंटे ऊपर नीचे हो जाए, बस उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. यूपीएससी जेई ये आता है क्या? एसएससी जेई में आता है ना ये मनमोहन सिंह? बिल्कुल आता है, प्री में आता है और मेंस में तो अच्छा खासा आता है, ये मेंस में तो बहुत अच्छा खासा आता है ये. यूपीएसएससी जेई इस सब का कितना वेटेज है सर? देखो, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करते हो ना आप, तो ये सब्जेक्ट है ना, हमें समझ गया, उत्तर प्रदेश जेई की बात कर रहे हो आप, समझ गया. मैं समझ गया, पहले सुनो मेरी बात. अभी आर समय सच भी जेई राजस्थान में जेई का एग्जाम हुआ था, ठीक है. अरे बंद करो, अब कोई कमेंट ना करेगा ऐसा. संदीप, ये लास्ट कमेंट है, सभी का लास्ट कमेंट, आपका भी और जो कर रहे हैं उनका भी. इसका जो वेटेज है वो 5 से 10% के बीच में रहता है. अब देख लो आप कितनी क्वेश्चन है टोटल एग्जाम में, उस क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का 5 से 10% के बीच में रहता है, 7%, 8%, कभी कभार 10% चला जाता है, ठीक है ना, ये रहता है. तो 5 से 10% मेरे ख्याल से अच्छा खासा वेटेज है यार, कम भी नहीं है. हाँ, अब क्या करेंगे, बट फाइनल बेंडिंग मोमेंट, इस स्टेप को नोट कर लिया क्या सबने? इस स्टेप को नोट कर लिया क्या सबने? ठीक है, अब देखो, अपन फाइनल एंड मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे और सुपर इम्पोज डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है. अब देखो फाइनल स्टेप, टोटल 5 स्टेप बनती है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, ये 5 स्टेप बन गई है. अब देखिए, ये आखिरी स्टेप है. यहां का मोमेंट आया था -25.333, ये बी. इधर का मोमेंट था +21.3333, यहां का था -21.333, और यहां का मोमेंट था अपना
प्लस 16.3333 यही मोमेंट था, इतना ही मोमेंट, सॉरी 13.33 13.33। अब देखो पहले अपन क्या करते हैं, एंड मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ कर दिया अपन ने एंड मोमेंट डायग्राम। अब देखो इससे इसको ध्यान से समझना, इसकी एक तरीका बताता हूँ तुम्हें। ये तरीका हर जगह लगाना, हर जगह वैलिड है ये तरीका, हर जगह वैलिड है। आपको एक का मोमेंट कितना है, एक के ऊपर आपको बढ़ाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या एंड मोमेंट डायग्राम। तो आप है ना बी को एक बार फिक्स कर दो, ये बी को पकड़ लो यहां से। सर वीडियो बार लिख दिया आपने, कोई बात नहीं, ये सी है ना। तो देखो तरीका समझ लो कैसे ड्रॉ करते हैं, और ये हर जगह वैलिड है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में भी आप ऐसे ही कर लेना, हर जगह काम करेगा ये। बी को आप यहां से पकड़ लो टाइटली फिक्स, और ए को घुमाओ। जैसा अगर मोमेंट नेगेटिव आ रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ACW से लिख रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको लिखना है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा देना है। ठीक है, अब देखिए इसको लगाते हैं अपन। बी को यहां से फिक्स करो, पकड़ लिया, इसको घुमाना है आपको एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में घुमाओ इसको पकड़ के, इसको पकड़ लिया और इसको घुमा रहे हो आप, तो कैसा आ रहा है, हॉगिंग, हॉगिंग आ रहा ना। आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बफर हो रहा है बार बार। ठीक है, मैं बोल दूंगा टेक्निकल टीम से, कल से नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से फिक्स करो और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो। तो ये देखो कैसा देगा, ये हॉगिंग देगा ना। मतलब जैसे मान लो मैंने यहां से फिक्स कर दिया, ऐसे देखो यहां से फिक्स कर दिया और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, इसी से समझो यार। यहां से फिक्स कर दिया इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, एडे ऐसे देखो ऐसे। तो इसका देखो कैसा होगा, ये हॉगिंग ऐसा ही होगा ना, ये हॉगिंग। हॉगिंग हॉगिंग को अपन ने लिखा था कहां से लेंगे, बेस लाइन से ऊपर लेंगे। तो मैंने लिखा यहां से कितना ऊपर ले लिया मैंने, कितना 25.3333 ऊपर लिख लिया मैंने इसको। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बी की। जब बी का आप लिखोगे तो ए को पकड़ लो और बी को आप घुमा लो, पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज, पॉजिटिव है तो आप क्लॉकवाइज घुमा लो घड़ी की डायरेक्शन में। तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी हॉगिंग हो जाएगा। इसको पकड़ लो और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, तो देखो ये कैसा होगा, ये भी हॉगिंग हो गया ऐसा। तो ये भी हॉगिंग है तो बेस लाइन से ऊपर जाएगा लेकिन वैल्यू कम रहेगी। कितना आ गया, 21.33। ठीक है, अब ये वाला लिखते हैं माइनस वाला लिख दो। तो माइनस वाले में देखो, इधर वाला बीसी मेंबर में है ना, ये बीसी मेंबर में है, तो सी को टाइट कर लिया और इसको कैसे घुमाना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया इसको। तो कैसा जाएगा, ये हॉगिंग जाएगा, हॉगिंग जाएगा मतलब ये भी ऊपर ही जाएगा और वैल्यू सेम ही है, इतनी है। ठीक है, अरे कहाँ थे सोरेन, सेगिंग में अबोव लेते हैं ना सर, हाँ सेगिंग में ऊपर लेंगे लेकिन यहाँ पे हॉगिंग हो रही ना, हॉगिंग में अपन ने वो लिखा था ना एंड मोमेंट में, वैसे हॉगिंग को नीचे लेते हैं अपन, सॉम में आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसके अंदर ताकि वो सुपर इम्पोज कर जाए, नेट मिल जाए अपने को, इस वजह से एंड मोमेंट को अपन ऊपर लेके चलते हैं। अब देखिए सी का लिखेंगे, सी के लिए बी को टाइटली पकड़ो और इसको क्लोक पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो कैसा जाएगा, ये हॉगिंग, तो ये भी हॉगिंग होगा। तो हॉगिंग को ऊपर लिखूंगा मैं कितना, 13.333। अब इन टॉप पॉइंट को मिला दो, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, ये आ गया आपका एंड मोमेंट डायग्राम। ये नेगेटिव है भाई, ये नेगेटिव है, ये क्या गया आपका एंड मोमेंट डायग्राम। हाँ एंड मोमेंट डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं संदीव, हाँ सेगिंग में ऊपर लेते हैं, बिल्कुल सेगिंग में ऊपर लेते हैं लेकिन वो सिंपली सपोर्टेड के लिए लेते हैं जब, हाँ सर हॉगिंग भी ऊपर और सेगिंग भी ऊपर आ रहे हैं, हाँ मतलब ये चीज बताई थी ना पहले, देखो देखो क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि जब अपन एंड मोमेंट डायग्राम बना रहे होते हैं
उस केस में होगिंग को तो लेते हैं बेस लाइन से ऊपर, मतलब नेगेटिव को ऊपर रखते हैं, और सेगिंग मतलब पॉजिटिव उसको रखते हैं बेस लाइन से नीचे, ठीक है। लेकिन जब आप जो एक्सटर्नल लोडिंग है, जो बाहर से लोड लगा हुआ है, उसकी वजह से अगर आप बढ़ाओगे तो आप सेगिंग मतलब पॉजिटिव को ऊपर ही रखोगे और होगिंग मतलब नेगेटिव को आप नीचे ही रखोगे, ठीक है। अगर एक्सटर्नल लोडिंग का जो डायग्राम है वो तो आपके सोम की जैसे ही रहेगा, लेकिन एंड मोमेंट डायग्राम का आपका अपोजिट हो जाता है, ये आपका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। हाँ, प्लस है तो माइनस क्यों आ रहा है, मैंने क्या बताया आपको तरीका कि कंफ्यूज मत होइए, सी प्लस माइनस पे मत जाइए, आप प्लस माइनस पे ऐसे मत जाइए कि जैसे सी का क्या रहा है पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज, तो इस पे क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है, बी को आपने यहां से टाइटली पकड़ा और इसको क्लॉकवाइज घुमा दो तो कैसा हो जाएगा, होगिंग हो जाएगा, ठीक है। तरीका रिपीट कर देंगे, बिल्कुल ये तरीका हर जगह वैलिड है, कहीं भी लगा देना आप, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में भी लगा देना आप, यहाँ भी लगा देना, हर जगह इसी तरीके से करना आप, गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, नहीं प्री में नहीं आएगा ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना, ये प्री में नहीं आएगा। माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, प्लस का मतलब क्लॉकवाइज, हाँ बी वाला नहीं आया मेरे को, ओके सारा ही देख लेते एक बार, सारे रिपीट कर लेते हैं। अगर मैं एका डायग्राम बनाऊँ ए पर, तो ए पे मोमेंट क्या रहा है, माइनस 25.33 मोमेंट आ रहा है ए पे, ठीक है ना। हाँ सी भी बता दूंगा, ए भी बता दूंगा, बी भी बता दूंगा, सारा ही बता दूंगा, पूरा ही रिपीट कर रहा हूँ, है ना, कोई कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा ही रिपीट कर देता हूँ। देखिए पहले ए का देखते हैं, ए के लिए मैंने क्या बताया, प्रोसेस आपको यही करके रखनी है, बी को टाइटली होल्ड करिए यहाँ से और ए को घुमा दो, नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे ऐसे, तो देखो ये बीम कैसे होगी, होगिंग होगिंग है तो बेस लाइन से ऊपर लेंगे, ले लिया। अब मैं बी का बना रहा हूँ, बी का पहले बी ए, बी पर दो मोमेंट है तो मैं बी ए मेंबर की बात करूंगा फिर बी सी मेंबर के लिए बात करूंगा। तो बी का देखो, बी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको टाइटली होल्ड करना है ए को, और बी क्या है प्लस 21.33 है तो इसको क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमा दो, ये क्लॉकवाइज घुमा दिया तो ये कैसे भी जाएगा, ये भी होगिंग ही जाएगा, तो होगिंग को बेस लाइन से ऊपर लिख लिया और वैल्यू क्या है 21.33 है। अब देखते हैं बी सी मेंबर में इस वाले मोमेंट की, बी सी मेंबर है तो सी को टाइटली होल्ड करिए, बी को देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, नेगेटिव है तो बी को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे आप तो कैसे जाएगा ये नीचे, नीचे जाएगा तो ये क्या हो गया होगिंग, इसलिए इसका भी वैल्यू सेम ही रहेगी यही। अब बात करता हूँ मैं सी की, सी में फुल कन्फ्यूजन है, सी को देखो, सी में देखिए वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस 13.33 सी का बनाना है, बी को टाइटली होल्ड करिए, टाइटली होल्ड कर लिया आपने, सी को पॉजिटिव है तो कैसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाइए इसको यहाँ से पकड़ के, तो कैसे घुमेगा ये, मतलब यहाँ से आपने टाइटली पकड़ लिया है ना और इसको घुमा रहे हो आप, तो घुमा रहे हो तो कैसा घूमेगा ये, ऐसा होगिंग, तो देखो होगिंग ही आ रहा है ना, तो होगिंग को मैं क्या लूंगा बेस लाइन के ऊपर ले लूंगा मैं, इसको बेंड करके दिखा दो सब क्लियर हो जाएगा, बेंड करके दिखा देते हैं, ओके कहीं का क्लियर है कहीं का नहीं क्लियर है, कोई बात नहीं। तो अभी अपन, हाँ यूडीएल लग रहा है तो यूडीएल की वजह से थोड़े बना रहे हैं अभी अपन, अभी तो केवल अपन एंड मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं, यूडीएल का देखेंगे अपन, उसका अलग से देखेंगे है ना, यूडीएल का पैराबोलिक बनेगा लेकिन उसका फिर अलग से देखेंगे ना अपन, अभी तो केवल एंड मोमेंट जो आ रहा है ना सभी का क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं एक काम करता हूँ इनका अलग अलग से बना देता हूँ, यहीं पर एका में लिखूंगा, एका अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, बी को टाइटली होल्ड कर दिया, तो देखो यहाँ पे बी को मैंने टाइटली फिक्स कर दिया येलो यहाँ से, और ये क्या है क्लॉकवाइज आ रहा है तो क्लॉकवाइज को 25.33 ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू है ना इसको माइनस माइनस है ना, ये प्लस है और ये वैल्यू माइनस थी इधर, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा यहाँ से, इसको देखो इस मेंबर को तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा यहाँ से पकड़ के, तो देखो कैसा घूमेगा, ऐसा ही घूमेगा ना, ऐसा घूमेगा, होगिंग आ रहा है, ये होगिंग है
तो मैंने क्या लिखा, ऊपर लिख दिया होगिंग को। अब देखो यहां पे पी पे देखिए, जब बी बी को देखेंगे आप, तो ए को आपने टाइटली पकड़ दिया यहां से, ये टाइटली पकड़ लिया आपने यहां से, बिल्कुल फिक्स कर लिया। और बी को कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। इस मेंबर को आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कैसे घूमेगा, ये मेंबर ऐसे ही घूमेगा ना, यहां से पकड़ के घुमा रहे हो, तो ये क्या है, होगिंग है, होगिंग है। तो होगिंग, होगिंग को क्या लेंगे अपन, नेगेटिव, तो इसलिए बेस लाइन से ऊपर ले लिया, है ना। ये प्लस है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये वैल्यू है प्लस की, है ना। बाकी जो डायग्राम है ना, ये ठीक है। अब मैं बात करता हूं बीसी की। बीसी मेंबर में आप क्या करोगे, सी को टाइटली है होल्ड कर लोगे, ये यहां से टाइटली होल्ड कर लिया आपने सी को, ठीक है। बी को आप घुमा दो, कैसे घुमाएंगे, इस पर मेंबर क्या है, इस पर मोमेंट क्या है, -21.3333 है, तो -21.33 है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे इसको पकड़ के, मतलब ऐसे नीचे, तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कैसे घूमेगा ये ऐसा, तो ये क्या है, होगिंग है, ये होगिंग है। होगिंग को बेस लाइन से ऊपर ले लिया। अब अपन बात करते हैं सीबी मेंबर की। सीबी मेंबर में आप सी को होल्ड कर लिए टाइटली, सी को टाइटली होल्ड कर दिया आपने, और सी को घुमा रहे हो आप किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे इसको मेंबर को, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये भी क्या आएगा, होगिंग, ये भी क्या आएगा, होगिंग, तो इसलिए ले लिया। ये एंड मोमेंट डायग्राम है, समझ आया सबको, नोट करिए जल्दी से। साइन से मतलब नहीं है डायग्राम में, ओनली होगिंग और सेगिंग देखना है क्या सर, हाँ डायग्राम में होगिंग और सेगिंग देखना है आपको। साइन से मतलब ऐसा है कि साइन से आप उसको रोटेट करके देख लो उस मेंबर को, साइन का मतलब ये है। डन डन डन, डायग्राम डन हो गया, ये तो हो गया एंड मोमेंट डायग्राम। अब मैं बनाता हूं इसका सिंपली। आपने क्या पूछा मृत्युंजय, आपने पूछा है सेगिंग में भी ऊपर, होगिंग में भी ऊपर, अरे बता चुका हूं ना कितनी बार, एंड मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं अपन, सो एंड मोमेंट डायग्राम के केस में होगिंग को हमेशा अपन ऊपर ही लेते हैं, और सेगिंग आता है तो कोई उसको नीचे ही लेंगे अपन, समझ में आया आपके। आगे चलिए नेक्स्ट, ये तो बना दिया अपने एंड मोमेंट डायग्राम, अब अपन बनाते हैं सिंपली सपोर्टेड डायग्राम। अब अपन बनाएंगे सिंपली सपोर्टेड डायग्राम। सिंपली सपोर्टेड डायग्राम, एंड मोमेंट तो अपना हो चुका है कंप्लीट, सिंपली सपोर्टेड डायग्राम अपन बनाते हैं। तो ये क्या है, रोलर था, यहां पे लोड लगा हुआ था 24 किलो न्यूटन का, यहां पे ये यूडीएल है। सिंपली सपोर्टेड डायग्राम मतलब इनको अपन ने सिंपली सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया, एंड मोमेंट आ चुका है। अब देखो इसकी वजह से कैसा आता है, इसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा आता है और पॉजिटिव आता है, ये सोम में आपने पढ़ रखा है, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कितनी वैल्यू आती है, पीएल बाई फोर, वैल्यू निकाल के बताओ। ये यूडीएल है तो इसकी वजह से क्या आएगा, पेराबोला आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ये वैल्यू निकाल के बताओ। ये जो वैल्यू है ना, ये कितनी वैल्यू होती है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में 8 वैल्यू होती है, ये वैल्यू निकाल के बताइए। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, वैल्यू बताइए कितनी वैल्यू आएगी, ये 24 इंटू में एल की वैल्यू 8 अपॉन में 4 2, तो ये वैल्यू आ गई कितनी, 48। ये वैल्यू कितनी आ गई, 48 किलो न्यूटन इंटू में मीटर मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ की वैल्यू बताओ डब्ल्यू एल स्क्वायर, ये कितना था, 4 मीटर था ना, और डब्ल्यू कितना लगा हुआ था, 12 किलो न्यूटन पर मीटर। तो देखो डब्ल्यू कितना है, 12, एल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 अपॉन में 8, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 24 आ रही है, तो ये थोड़ा सा नीचे रहेगा ना, ये इतना ऊपर तक नहीं जाएगा, ये वैल्यू तो कितनी 48 है और ये वैल्यू 24 ही है, तो इसके आधे पे आएगा, है ना, ये डायग्राम आधे पे आएगा ना, ये लो ये वैल्यू आधे 24 ही आ रही है इसकी मैक्सिमम, तो इसलिए ये कुछ इतना ही जाएगा, और ये 48 आ रहा तो इतना बढ़ा जाएगा,
इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, ये वैल्यू कितनी आ रही है 24 किलोन्यूटन इंटू में मीटर, ये 48 किलोन्यूटन इंटू में मीटर आ रही है। डन, ये दोनों बन, अब उनको सुपर इम्पोज करना है। अब क्या करना है अपने को, सुपर इम्पोज करना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट दोनों को, इसको नोट करिए जल्दी से, फिर उनको सुपर इम्पोज कर देता हूँ। जल्दी से नोट करिए, नहीं स्टेप फाइव ही चल रही है सुदीप, स्टेप फाइव ही है, टोटल फाइव स्टेप है। अब मैं क्या करता कर देता हूँ, सुपर इम्पोज, बस फाइनल ये है सुपर इम्पोज्ड बोथ डायग्राम, दोनों डायग्राम को मैं क्या कर दूंगा, सुपर इम्पोज कर दूंगा। तो देखो ये एंड मोमेंट डायग्राम में ये वैल्यू कितनी थी, 25.3333, ये बी पे जो वैल्यू थी ये थी 21.333, ये वैल्यू थी 13.333, इनको मिला दो, इनको मिला दिया और यहाँ पे इसको मिला दिया, ये तो था एंड मोमेंट डायग्राम। और अब सिंपली सपोर्टेड डायग्राम को, ये नेगेटिव था ना, ये भी नेगेटिव था, सिंपली सपोर्टेड डायग्राम को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करवा देता हूँ। ये लो, ये इधर का हो गया और ये वैल्यू किसकी होगी, ये यूडीएल का हो गया, ये दोनों को सुपर इम्पोज करवा दिया। अब देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो रेट बना रहा हूँ ना मैं, ये रेट तो हो गया कैंसिल आउट, इसकी तो अपने को टेंशन ही नहीं है, ये तो कैंसिल आउट हो गया रेट, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। ये लो आना। अब अपनी टेंशन कौन सी बची है मोमेंट की, अपनी ये बची है, ये पॉजिटिव बचा है, ये नेगेटिव बचा है और ये पॉजिटिव बचा है, बस बना लो फाइनल। बैक स्लाइड, बैक स्लाइड लिख लीजिए, ये लो बैक स्लाइड को जल्दी से लिख लीजिए, बैक स्लाइड को जल्दी करिए। डन हो गया, आगे चलिए, देखिए इसको, देखिए इसको, ये फाइनल, बस यहां तक अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है, यहां तक अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। रेड वाला कट जाएगा, रेड वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, और देखना इसको फिर से समझ में आएगा, है ना। हाँ बी में भी बचेगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी तो बचेगा, ये देखो ये नेगेटिव यहां भी बच रहा है, इसको मैं इससे बना देता हूँ, यहाँ भी बचेगा ना, कितना बच रहा है यहाँ पे, नेगेटिव है, नेगेटिव वाला है ना, इसको बना लीजिए, फिर कोई भी डाउट हो तो अपन क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे इसका, एक और क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन तो हो गया पॉजिटिव वाला, मैक्स वैल्यू लिख दो, हाँ पॉजिटिव की जो मैक्स वैल्यू है ना, या जो आ रही है ऊपर, ये तो यहाँ पे मैक्स वैल्यू कितनी आई थी अपनी। अब देखो चलो इसको क्लियर कर ही लेते हैं यहीं पे, है ना, रुको 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 एक बार, अब इसका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, मेन जो अपन करना चाह रहे ना, यहाँ तक आप एग्जाम में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को अपने को डिजाइन करना है कि कितने मोमेंट के लिए मैं इसको डिजाइन करूँ जो था, तो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट है ना, तो फाइनल जो मैक्सिमम मोमेंट कितना आ रहा है, मैक्सिमम मोमेंट जो है ना वो कितना आ रहा है अपना, मैक्सिमम मोमेंट ये देखो यहाँ पे जो ये वैल्यू थी ना, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, 48 आ रही है, 48 आ रही है, इसमें से 48 में से तो ये वैल्यू तो माइनस ही हो गई, तो इसको करने का तरीका क्या होता है, देखो 48 माइनस यहाँ का और यहाँ का जो एवरेज है ना, मतलब दोनों को ऐड करके उसका आधा, मतलब इसका 25.33
25.33 प्लस 21.33 का आधा, ये आपका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट होएगा जो भी आएगा। इसके लिए डिजाइन कर देंगे इसको अपन, कितनी वैल्यू आएगी 25.33, ये वैल्यू आएगी 25.33 किलो न्यूटन इंटू में मीटर। ये आप एग्जाम में करो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है, यहीं तक बस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तक पूछा था आपको, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर दो। अब डिजाइन बेंडिंग मोमेंट किसके लिए डिजाइन करेंगे वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इस जो टोटल सबसे ज्यादा वैल्यू है उसमें से माइनस कर देनी, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे अपन, है ना, 25.33 प्लस 21.33 का एवरेज करके माइनस कर देते हैं, ठीक है। आज जो भी आ रही है 24.67 आ रही होगी, ठीक है, मैंने दो डिजिट तक लिखा था इस वजह से लिखा है। आगे तीन और तीन, ये लो चारों डिजिट तक लिख लेते हैं, तो 24.67 ये फाइनल डिजाइन बेंडिंग मोमेंट आ गया, ठीक है। हाँ बैक स्लाइड लो, ये बैक स्लाइड लीजिए, इसका अपन कल आते एक एग्जांपल और करेंगे, ठीक है, उसके बाद में फिर स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ेंगे। और क्वेश्चन आप कंटिन्यू लगाते रहिए, देखो मैंने सबके जवाब दिए अब तक, केवल दो क्वेश्चन रखे मैंने क्लास के लिए, एक तो वो M1 M2 करके था कुछ, M1 M2 ऐसा कुछ करके था, और एक क्वेश्चन और था, तो दो क्वेश्चन मैंने क्लास के लिए रखे डिटरमिनेंसी इंडिटरमिनेंसी के लिए जो अब तक पूछा है, तो वो मैं क्लास में करवाऊँगा, और बाकी आप क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप करते रहिए, मैं आपको जवाब देता रहूँगा, ठीक है। अभी जो आज रात के 12 बजे के बाद में जिन्होंने भी पूछा था उनका आज 12 बजे से पहले पहले जवाब दे दूँगा, और आप आज करो अभी जो भी करोगे उसका 12 बजे से पहले पहले मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कल एक और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, फिर स्लोप डिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे।